ओके, न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स. ओके, केमिकल वी नो अबाउट द कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स. ओके, काइनेटिक्स ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस से आया है. काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट. काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो मूव होते हैं हम उसको कहते हैं काइनेसिस. ओके, एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स ये हमको स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, यानी रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होंगी और अदर चीजें उससे रिलेटेड. एक टॉपिक अपना हुआ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स डील्स करता है फिजिबिलिटी के बारे में कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा. ये हमने कैसे पहचाना था? एंट्रोपी और फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी, पता है ना आपको? हाँ, तो हमने उससे रिएक्शन का स्पॉन्टिनिटी और नॉन स्पॉन्टिनिटी देखा था कि डेल्टा जी वैल्यू से हम पहचान सकते हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, या होगा तो कितना रिएक्शन होगा, उसकी क्वांटिटी के बारे में, उससे रिलेटेड हीट के बारे में. वो थर्मोडायनेमिक स्टडी था. लेकिन हम देखते हैं कि नेचर के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो अलग अलग टाइम इंटरवल पे होते हैं. तो ऐसे रिएक्शंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन. जैसे फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आपने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आप जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और NaOH, इमीडिएट जो पॉट रहता है वो गर्म हो जाता है, मतलब हीट रिलीज हुई, वहां पर रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन. तो ये फास्ट रिएक्शन है, इमीडिएट हुआ, आप उसको फील कर सकते हैं. दूसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन. जैसे अपना नेचर में एक रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनता है? ग्लूकोज, प्लांट्स के अंदर. ठीक है, तो इसको 8-10-12 hours लगते हैं, स्लो प्रोसेस, मतलब मॉडरेट प्रोसेस है. ठीक है, हाफ डे के करीब उसको जो टाइम जाता है. एक होता है एकदम स्लो प्रोसेस, ये भी केमिकल रिएक्शन. जैसे कोई मेटल पीस है वो पानी में गिरा हुआ है, कुछ दिन गुजरते, कुछ महीने गुजरते, उसके बाद उसको क्या लग जाता है? जंग. तो ये जंग मतलब रस्टिंग. तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इलेक्ट्रो में पढ़ेंगे हम इसको. तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो है कि आयरन जो था Fe, वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम जंग बोलते हैं, रस्ट. तो ये भी एक रिएक्शन है. लेकिन कितना टाइम लगा इसको? ऐसा थोड़ी होता है कि आपका जो रॉड है वो पानी में गिरा और आपने इमीडिएट उठाया तो पूरा जंग लगा हुआ, ऐसा होता है कभी? इम्पॉसिबल है ना. तो ये स्लो प्रोसेस. इससे पता चला कि रिएक्शन के अलग अलग क्या है? स्पीड है, उनके अलग अलग रेट्स है. तो उसकी स्टडी को यहाँ पर जो है केमिकल काइनेटिक्स में लेकर आया है. लेकिन इसको सिस्टमेटिक डिफाइन करना रहा तो हम क्या बोलेंगे इसको? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रेट, स्पीड ऑफ रिएक्शन. ओके, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट, मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन, कन्वर्जन टाइम्स, कितने टाइम में वो कन्वर्ट होता है, फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट, और वो सारे फैक्टर्स जो इसके रेट पर इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर है, ओके, फिर इन्वायरमेंट है, मॉइस्चर जो भी रहेगा, कौन कौन से फैक्टर जो उसके ऊपर इफेक्ट करते, कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. जो भी रिएक्शन की स्पीड के बारे में हम स्टडी करते हैं, या जो जो फैक्टर्स पर इफेक्ट करेंगे उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, रेट के ऊपर इफेक्ट करने वाले, ये सब कहीं में आएगा केमिकल काइनेटिक्स में. ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स शुरू करने से पहले हम इसके जो है बेसिक्स देखेंगे यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो इसमें सबसे पहला होता है कि रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट यानी स्पीड हम जिसको कहते हैं, ये हम कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन,
कि रिएक्शन का रेट कैसे निकालेंगे। रेट मतलब स्पीड, जैसे हम ट्रैवलिंग के लिए अपना निकालते हैं ना कि हमने 1 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटा ज़्यादा हो गया, 100 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल किया, मतलब स्पीड ज़्यादा थी, बराबर है ना। लेकिन हमने दूसरी गाड़ी से ट्रैवल किया 100 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर, मतलब स्पीड कम है। तो आप उसको कैसे जो है काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय दी टाइम, कि कितना टाइम, कितना डिस्टेंस था और कितना टाइम लगा। तो रिएक्शन में अब डिस्टेंस नहीं, कन्वर्जन देखा जाता है कि एक ए सब्सटेंस है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है। सो व्हाट इज अ रिएक्शन? रिएक्शन मीन्स डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, के धीरे धीरे ए खत्म होते जा रहा है और बी बनता जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जन, केमिकल चेंज। ओके, तो ये केमिकल चेंज में धीरे धीरे ए खत्म होगा और बी तैयार होगा। ओके, सो रेट दोनों से निकाला जा सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। जितना टाइम ए को खत्म होने के लिए लगेगा उतना टाइम बी को बनने में लगेगा, राइट? ओके, तो ये जो खत्म हो रहा है यानी डिसअपीयर, या ये फॉर्म हो रहा है अपीयर, तो इसका पहचान होती है कॉन्सेंट्रेशन से, कि अगर ए की यहां क्वांटिटी ज्यादा है तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब धीरे धीरे ए खत्म हो रहा है तो हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। बी पहले जीरो था जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो था, लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम, फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट, क्या होगा यहां पर, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो इस तरह से इसके डिसअपीयरेंस और इसके अपीयरेंस कितने टाइम में हुआ उससे हम उसका रेट निकाल सकते हैं। 1 मिनट लगा ए को खत्म होने के लिए, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग क्या था अपॉन टाइम, उससे अपने को पता चल जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे इसका रेट लिखना रहा तो मैं इसको लिखूंगा रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए, इसको कॉन्सेंट्रेशन है तो हम इसको बताते हैं कैमे ब्रैकेट के अंदर मोलार कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन डेल्टा टी। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये डिसअपियर हो रहा है, समझे आपको? ओके, तो अगर मैं इसको अभी फिलहाल ऐसे लिखूं तो चलेगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, या अगर हम उसको जो इक्वेशंस में यूज होने वाला है डायरेक्ट उसको ऐसे रखे, आर, आर मतलब कौन, रिएक्टेंट, बन रहा है पी यानी कौन, प्रोडक्ट। तो रेट अगर हमको निकालना रहा तो रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से हम रेट निकाल सकते हैं कि यहां पर आर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं कि स्टार्टिंग में जो आर था यानी उसका जो इनिशियल रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इससे आता है कौन, डेल्टा आर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, समझा आपको? उसी को यहां पर हम लेंगे। वैसे प्रोडक्ट का निकालना रहा आपने को, डेल्टा पी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो अपने को राइट वैल्यू मिलेंगी। वैसे यहां पर क्या आएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इससे अपने को मिलेगा डेल्टा पी। मतलब क्या करते हैं, फाइनल मतलब बिग वैल्यू है इसलिए उसमें से माइनस करते हैं ना जनरली, तो इसलिए हमने इसको भी वैसे लिया। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर शुरू में कॉन्सेंट्रेशन था 1, इसका लेते हैं, इसका आर का कॉन्सेंट्रेशन, आर गिव्स पी, इसका था 1 और ये था 0। अब ये धीरे 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 कम हो रहा है और ये बाद में क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या बन जाएगा, 1। तो फाइनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस 0 1, और ये 0 माइनस
वन क्या आएगा माइनस वन, इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहती है माइनस में, रिएक्टेंट कम हो रहा है मतलब माइनस में, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कितना टाइम लगा खत्म होने के लिए वो उसका रेट बताता है, कितना टाइम लगा बनने के लिए, जीरो से शुरू हो गया ना पूरा बन गया, कितना टाइम लगा, तो ये इससे हमको पता चलता है रिएक्शन का रेट, यानी कितने टाइम में वो डिसअपियर हुआ रिएक्टेंट या कितने टाइम में तैयार हुआ प्रोडक्ट, यही है रेट ऑफ रिएक्शन। समझे आपको? ओके, अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन जो निकालते हैं यहां पर, ठीक है, तो यहां पर डेफिनेटली जो रिएक्शन रहेंगे उसके कोई ना कोई कोएफिशिएंट्स रहेंगे। जैसे हम लेते हैं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3, 3 2 6 और ये दो नाइट्रोजन आ गए, 3 2 6 बैलेंस, तो इनके कोएफिशिएंट्स कौन है 3 1 2। जो डिफरेंट कोएफिशिएंट्स आते हैं तब रेट को कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन ब्रैकेट, नाउ रेट ऑफ रिएक्शन हम यहां पर देखते हैं कैसे लिखेंगे अगर डिफरेंट कोएफिशिएंट्स रहे तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर रिएक्शन है 3H2 प्लस N2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, सो हियर H2 एंड N2 आर द रिएक्टेंट्स, तो इनका डिसअपीयरेंस होने वाला है एंड अमोनिया इज प्रोडक्ट, तो इसका अपीयरेंस यानी ये फॉर्म होने वाला है, तो इसका रेट कैसे लिखा जाता है, तो यहां पर इसको लिखते हैं ऐसे के कॉन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विथ माइनस साइन विथ चेंज इन टेम्परेचर R इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज इक्वल टू, अगर N2 का लिखना है माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, ओनली वन है ये, ठीक है, ये भी माइनस में क्योंकि रिएक्टेंट है, नाउ प्रोडक्ट है तो प्लस में, 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T, ओके। तो आप देखेंगे यहां जो रिलेशन बताया जा रहा है कि अगर एक N2 डिसअपियर होता है तो उतने सेम टाइम में यहां पर हम उसका रेट किसके बराबर होगा 1/3 के रेट। आप बोलेंगे ठीक है दोनों तो यहां पर है तो ये ऐसा क्यों लिया है, ये 1/3 के बराबर है। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में रिएक्शन कुछ कंप्लीट होती है, तो 1 मिनट में अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो 1 मिनट में कितना N2 डिसअपियर हुआ है, 1 मोल, लेकिन सेम 1 मिनट में कितना डिसअपियर हुआ है 3। समझा आपको? मतलब 1 मिनट में अगर N2 डिसअपियर होता है उतने ही 1 मिनट में कौन डिसअपियर हो रहा है H2, 3 जा रहे, कितने जा रहे हैं 3, तो डेफिनेटली आप बताइए स्पीड किसकी जाता है H2, तो जब रेट अपन निकालेंगे तो क्या आएगा 1/3। समझा आपको गेटिंग, 1 मिनट में एक N2 खत्म होता है लेकिन उसी 1 मिनट में कितने 2 अमोनिया तैयार होते हैं, डेफिनेटली पता है ना आपको, तो स्पीड फॉर्मेशन किसका ज्यादा है अमोनिया का, इसलिए जब इसके बराबर इसको लिखना पड़ेगा तो 1/2 लेना पड़ेगा। समझे आपको? मतलब अमोनिया का अपीयरेंस रेट N2 के डिसअपीयरेंस से डबल है, कितना है
डबल है तो इसके बराबर जब लिखना है तो उसको हाफ लिखना पड़ेगा ना, समझे आपको? एन टू का डिसअपियरेंस एच टू के डिसअपियरेंस से कितना है, 3 times कम है ना, क्योंकि ये 1 minute में 1 N2 जा रहा है जबकि 1 minute में 3 N2 जा रहे हैं। तो अगर N2 के बराबरी में इसको लिखना है तो कितना लिखने का, 1/3। समझा आपको? गेटिंग? चलो मैं एक और एक यहां पर रिएक्शन लिखता हूं, NO और यहां पर हम लेते हैं दूसरा रिएक्शन लेते हैं एक, फॉर एग्जांपल कौन सा लेते हैं हम, एक ऑर्गेनिक वाला एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया एक CH4 प्लस 2O2 देन CO2 प्लस 2H2O। बोलिए मुझे रेट लिखना है सबके यहां पर, माइनस डेल्टा CH4 स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 1/2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी ओके इज इक्वल टू प्लस डेल्टा CO2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। समझे आपको? अब इजी एकदम सिंपल है, नो प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टंट बोलते हैं ना, इंस्टंट एट द इंस्टेंट स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है, इंस्टंटेनियस रिएक्शन रेट, ये दो देखेंगे हम यहां पर, ओके, एवरेज रेट एंड इंस्टंटेनियस रेट। ये क्या होता है, एवरेज रेट होता है, एक्चुअली क्या होती है, रिएक्शन का जो रेट है ना डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, अनदर नेम था ली चैटलियर प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी के लिए, हमने देखा था ना, हाँ, तो लॉ ऑफ मास एक्शन या ली चैटलियर प्रिंसिपल जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब किसी भी रिएक्शन का, ये रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो अगर इस डायरेक्शन में अपने को जाना है तो हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वापस आना है तो हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन दी प्रोडक्ट, रिटर्न आना है तो बैकवर्ड डायरेक्शन। समझे आपको? और इक्विलिब्रियम तैयार हो जाता है, हमने ये इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कब, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों जब सेम हो जाते हैं तो रिवर्सिबिलिटी तैयार होती है, ठीक है। तो यहां पर आर का जो रेट है, आर रिएक्टेंट है यहां पर, उसका जो रेट है वो किस पर डिपेंड है, उसके कॉन्सेंट्रेशन पर। अगर फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन स्टार्ट हुई तब आर के 100 moles थे तो रेट बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वो ज्यादा से ज्यादा मूव होंगे प्रोडक्ट की तरफ। वो कम हो गए 50 हो गए, रेट क्या हो गया कम, फिर 25 हो गए, अब रेट मतलब स्लोली रिएक्शन मूव होंगी। समझे आपको? तो जितना कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है उसका कन्वर्जन स्पीड क्या होते जाता है कम, मतलब हर स्टेप पे अलग अलग, हर टाइम इंटरवल पे अलग अलग स्पीड शो करेगा वो, 1 minute के बाद उसकी स्पीड कम हो जाएंगी, 2 minute के बाद और कम, मतलब रेट यानी जो कन्वर्जन है वो किस पे डिपेंड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इस तरफ से। समझा आपको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी किस पे डिपेंड है, रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा उतना रिएक्शन का रेट ज्यादा। समझा आपको? तो हर टाइम इंटरवल पर अलग अलग मिल रहा है ना, तो हर टाइम इंटरवल पर जब अलग अलग मिल रहा है तो सबका मिलाकर टोटल अपने को क्या निकालना पड़ता है, एवरेज। क्या निकालते हैं? एवरेज, मतलब एकदम फाइनल माइनस इनिशियल,
जिसको हम ये डेल्टा से शो करते हैं, एवरेज रेट। तो ये जो मैंने लिखा ये एवरेज रेट ही है, ठीक है। अब मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं यहां पर, जरा ध्यान से देखने का। ओके, ये कौन सा एक्सिस? वाई। और ये कौन है? एक्स। ओके, यहां पर जो है हम जो देख रहे हैं कि रेट हम निकालते हैं कैसे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ। ये टाइम है और ये है कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता है? कम, धीरे धीरे कम होता है। तो यहां पर जो एक अपने को कर्व मिलेगा जो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, समझे आपको? टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, नीचे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया था टाइम टी वन, यहां पर जाकर हमारा रिएक्शन खत्म हो रहा है टाइम टी टू। तो एक लॉन्ग टाइम इंटरवल का जब रेट हम निकालते हैं उसको बोलते हैं एवरेज रेट। मतलब एवरेज रेट के लिए हम क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी टी टू माइनस टी वन। ओके, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यहां पर था फॉर एग्जाम्पल आर जीरो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? आर जीरो। और यहां फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपने को मिला फॉर एग्जाम्पल आर, कुछ बुक्स में आर लिखा हुआ है या आर टी लिखा हुआ है आफ्टर टाइम टी, समझा आपको? आर टी या आर, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है। तो अपन इसको यहां पर क्या लेते हैं समझने के लिए? आर टी, चलेगा ना? ओके, अब यहां पर ये आर टी लिया है हमने, तो हम बोलेंगे आर टी माइनस आर जीरो। तो जिसको मैंने अभी क्या कहा था यहां पर, एवरेज, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, इस तरह हम निकालते हैं रेट, समझे आपको? तो ये फाइनल जो था यहां पर अपना, ये रेट नहीं है, ये कौन है? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। कंफ्यूज नहीं होना आरआर में, समझे क्या? तो ये फाइनल क्या है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल, या हमको पता है कि अब ये डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए आप इसको कैसे लिखेंगे? आर जीरो माइनस आर टी, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ना, तो आपको बताना पड़ेगा ये जो आर आ रहा है यहां पर कि इनिशियल में से आपने फाइनल में माइनस किया उसको, यानी पहले कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था ना रिएक्टेंट का, अब धीरे धीरे क्या हुआ है? कम, समझा? ओके, तो ये जो एक परफेक्ट टाइम इंटरवल पे हम निकाल रहे हैं यहां पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। इसको भी एवरेज रेट बोलते हैं, या टू थ्री फोर फाइव टाइम इंटरवल है एक साथ उसका अगर हम निकाल रहे हैं उसको भी हम एवरेज रेट बोल सकते हैं, टू थ्री फोर फाइव स्टेप्स का, समझा आपको? गेटिंग? ओके, आप जरा ध्यान से देखिए इधर दूसरा ग्राफ, ये इसको मैं यहां लिख दूं, चलेगा? बोलो ना। इसको मैं यहां लिख देता हूं आर, यस, रेट इज इक्वल टू क्या है? आर जीरो माइनस आर टी अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो क्या मिलेगा अपने? हाँ, तो ये एक्चुअल लिखने के लिए, लेकिन हम अगर फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो क्या होती है वैल्यू? क्या में आती है? निगेटिव में। तो वैसा भी लिख सकता हूं मैं ये समझाने के लिए, अगर मैं लिखू आर टी माइनस आर जीरो, मतलब हम लोअर में से क्या निकाल रहे हैं? हाइयर। तो आंसर क्या में आएगा? माइनस में। तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, समझ में आपको? ठीक है, ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां टाइम टी वन, मैं इसको ओनली टी लिखता हूं,
ठीक है, टी टू, टी थ्री, टी फोर, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आप रेट कैसे भी निकाल सकते हैं, मैं यूनिट्स बताऊंगा अभी आपको, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आर, पर डे, पर ईयर, सब यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो ईयर्स में कंप्लीट होते ना, समझे आपको, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पे रेट निकालना है, मुझे निकालना है टी थ्री पे कि यहां रिएक्शन का रेट कितना था, तो इसको भी निकाल सकते, मतलब इट इज, इसको बोलते इंस्टेंटेनियस रेट। अरे भाई ये क्या था, एवरेज रेट, रेट ऑफ अ रिएक्शन ऑन लॉन्ग टाइम इंटरवेल, एक लॉन्ग टाइम इंटरवेल पे जो रेट निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट, रेट ऑफ रिएक्शन एट द इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट, इसका मतलब क्या है, ऑन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टाइम, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। ये तो टोटल हो गया, इसका एवरेज निकाला हमने, फाइनल टाइम था जो भी, ठीक है, उसमें से इनिशियल माइनस किया, ओके। लेकिन एट द टाइम टी थ्री अगर मुझे निकालना है स्पेशल कि यहां पर रिएक्शन का रेट कितना था, रिएक्शन स्टार्ट हुई 12 बजे और 12:05 को खत्म हो गई, 5 मिनट की रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, 12:05 - 12, तो यह एवरेज आ गया। लेकिन 12:03 पर रिएक्शन की स्पीड क्या थी वो भी निकाल सकते हम, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, समझा आपको, तो उसको अगर निकालने का रहा तो उसके लिए क्या रहता है, जो नियरेस्ट वैल्यू रहती है यानी टी फोर और टी टू, तो उसको निकालते हैं टी टू माइनस टी वन, टी टी फोर ना, टी फोर माइनस टी टू, और वहां पर रेट कितना था आर टू, और यहां रेट कितना था आर फोर, तो आर फोर माइनस या माइनस रिएक्टेंट रहा तो उधर से आएंगे ना, ये अभी समझने के लिए लिख लो, आर फोर माइनस आर टू, समझा आपको, तो ये जो आएगा ये क्या रहता है, इंस्टेंटेनियस रेट, समझा, तो यहां पर बनेगा ये इंस्टेंटेनियस रेट, समझा, एट स्पेसिफिक टाइम टी, समझा, ओके। और स्मॉल टाइम इंटरवेल, स्मॉल टाइम इंटरवेल है नहीं है, उसके लिए जो हम निकालते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी, व्हाट इज डी टी, स्मॉल टाइम इंटरवेल, समझा आपको, और व्हाट इज डी आर, रेट ऑफ सॉरी कॉन्सेंट्रेशन एट स्मॉल, मतलब जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, पता है ना आपको कि इतने स्पेसिफिक टाइम में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज आया टी फोर से टी टू के बीच में, समझा, ओके। तो अपने को ग्राफ यहां पर नीचे मिल रहा है निगेटिव की तरफ, सेम अगर हम प्रोडक्ट का बनाएंगे तो ग्राफ कैसे होगा, तो आप यहां पर इसको लेंगे, ओके। नाउ सी हियर, रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन, व्हाट इज रेट एक्सप्रेशन, सी हियर, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है ए, इसका कॉन्सेंट्रेशन ए कोएफिशिएंट, ओके, ए प्लस बी, बी गिव्स सी, सी प्लस डी, डी, तो ए बी रिएक्टेंट है, सी डी प्रोडक्ट है, और स्मॉल ए बी और सी डी कोएफिशिएंट जो उनके कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो लॉ ऑफ मास एक्शन या जहां पर हम देखते हैं रेट के बारे में कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, हम बोलते हैं कि जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का वो किस पर डिपेंड होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो यहाँ रिएक्टेंट्स कौन है, ए एंड बी,
तो हम बोलेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कोएफिशिएंट पे भी डिपेंड रहता है. तो हम बोलेंगे इसका पावर क्या होना चाहिए, ए, इसका पावर होना चाहिए बी. बट रिएक्शन, सम रिएक्शन अकर्स इन मल्टीपल स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स में होते हैं बहुत सारे रिएक्शंस. ओके, हमने ऑर्गेनिक के अंदर एक देखा था SN1 और SN2 रिएक्शन, आपको याद है? हालांकि दोनों में रिएक्टेंट दो दो थे. जैसा मैं SN2 का आपको याद दिलाऊं, उसमें कौन था, मिथाइल ब्रोमाइड एंड OH-. तो हमने क्या था, कहा था कि इट इज SN2 रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर. ये जो रिएक्शन है इसमें रेट किस पर डिपेंड है, दोनों पे. तो हमने लिखा था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एज वेल एज OH-, याद है आपको? ओके, तो उसको हमने नाम दिया था बायमोलिकुलर सेकेंड ऑर्डर. और SN1 रिएक्शन में भी क्या था, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड OH-, लेकिन फर्स्ट स्टेप में OH- नहीं लिया था और रेट सिर्फ इस पर डिपेंड था. तो लिखा था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, OH- पर डिपेंड नहीं था, वो सेकेंड स्टेप में आता था, याद है आपको? और फर्स्ट स्टेप को हमने नाम दिया था RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, कि उसी पर डिपेंड है. तो दिखने में अपने को तो SN1 में दिख रहे दोनों भी, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी और OH- भी, लेकिन रेट सिर्फ किस पर डिपेंड है, हाँ मतलब यहां पर अपने को दो तो दिख रहे हैं यहां पर, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों पर डिपेंड हो ए बी. मतलब ये ए, इसका पावर ए, समझो ये वन है, ये वन लिया तो ये वन, लेकिन यहां इसका कितना आ रहा है, समझो ये बी है, तो ये जीरो भी हो सकता ना अगर उस पर डिपेंड नहीं रहा तो, समझा आपको? इसलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब पावर एक्स, बी कॉन्सेंट्रेशन पावर वाई. तो ए बी की जगह एक्स वाई क्यों लिया हमने, वेरिएबल, मतलब ए पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बी पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, समझा आपको? मतलब पावर चेंज हो सकते हैं, समझा आपको? इसी से ऑर्डर निकाला जाता है, एक्स, ये जो पावर्स है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मतलब जरूरी नहीं है ना कि ए बी ही हो, एक्स वाई का मतलब ये है कि जरूरी नहीं हो ए और बी दोनों इन्वॉल्व है, समझा आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां वन है यहां टू है, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन में क्या आ रहा है कि इस पे तो डिपेंड है ही नहीं, तो सिर्फ वन आएगा, मतलब वन प्लस जीरो आंसर आएगा वन, फर्स्ट ऑर्डर, समझा आपको? ठीक है, और एग्जांपल आएंगे मैं आपको बताऊंगा. अभी हम यहां पर देख रहे हैं रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ. तो रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ क्या बोलता है अपने को, कि अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को निकाल देते तो आर इज इक्वल टू, तो क्या लेना पड़ता है, कॉन्स्टेंट, आर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई. ओके, तो ये रेट एक्सप्रेशन हो गया, ये रेट एक्सप्रेशन इस तरह से होता है, रेट लॉ हम इसको कहते हैं. तो यहां पर हम बोलते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिकेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस रेज टू द पावर, रेज टू द पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, डिपेंड इन विच रिएक्शन रेट इज डिपेंड, मतलब वो उस पर किस पर डिपेंड है, जहां पर रिएक्शन रेट क्या होता है, डिपेंड होता है, जैसे यहां पर एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड है ये. ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हम रेट लॉ बताते हैं यहां पर. तो ये क्या है रेट लॉ, यानी रेट एक्सप्रेशन क्या है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ रेट, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ रेट, मतलब रेट को हम जो बता रहे हैं. ठीक है, कैसे बता रहे हैं, मोलार कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स एक एक्सटेंट तक हम उसको बताएंगे, जहां पर जिस पर रेट डिपेंड करेगा वही आप लेंगे यहां पर. ठीक है, ओके, तो इसी इक्वेशन को रेट लॉ या रेट इक्वेशन बोला जाता है, समझा आपको, जिसमें के क्या रहेगा, रेट कॉन्स्टेंट, रेट, क्योंकि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल टू में आते तो क्या मिलता है, रेट. तो ये रेट कांस्टेंट होता है. रेट कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी रेट कांस्टेंट को अगर आपको निकाल, रेट कांस्टेंट नहीं, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम करना है, तो मैंने बताया आपको, क्या बताया था,
जो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में उसको वन कर दो तो जो रेट रहेगा वही कांस्टेंट का वैल्यू रहेगा, समझे क्या? इन सबको वन बना दिया हमने तो के इंटू वन, के के इज इक्वल टू आर, तो उस रिएक्शन में जो रेट रहेगा वही के रहेगा, समझे आपको? गेटिंग? अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन लिख रहे हैं हम, इक्वेशन क्या है? एन ओ टू मोल्स ओ टू गिव्स, ओके गिव्स टू मोल्स ऑफ एन ओ टू, ये बन गई इक्वेशन। ध्यान से देखिए, देख रहे हैं आप लोग? ओके, एक एनओ ने एक ऑक्सीजन लिया, एनओ टू बन गया, दूसरे एनओ ने एक ऑक्सीजन लिया, एनओ टू बन गया, ये एक इक्वेशन है। इसका रेट किस पर डिपेंड है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ टू, तो उसको लिखा हुआ ऐसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ पावर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ टू पावर वन, ऐसे दिया हुआ है। तो यहां पर ये जो डेटा है इसको देखकर इसको बनाया है, इसको देखकर नहीं बनाया है, समझा आपको? समझा आपको? ये डेटा को देखकर बनाया। अब आप बोलेंगे हम कैसे पहचानेंगे इसको डेटा को, तो बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने इसको वैल्यूज यहां पर लिखा हूं, जरा ध्यान से देखो। अगर अपने को पता करना है कि जो रिएक्टेंट्स हम यूज कर रहे हैं यानी जो NO है और O है इसका पावर कितना बनने वाला है, मतलब कितने कॉन्सेंट्रेशन पे रेट उसका डिपेंड करेगा, जैसे मैं अभी बताता हूं आपको, देखो स्टेप वन और टू जो है यहां पर, एक्सपेरिमेंट वन टू जो है दिख रहा है आपको यहां पर, हम इसमें क्या करते हैं, एक वैल्यू कॉन्स्टेंट करते हैं पूरे दोनों स्टेप दोनों एक्सपेरिमेंट में। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, 0.30 मोल पर लीटर लिया है ऑक्सीजन, ठीक है, और एनओ भी कितना लिया है 0.30 मोल, ठीक है, तो अपने को यहां पर फॉर्मेशन कितना मिला है पर 0.096 NO2, ओके ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, एनओ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, लेकिन इसको क्या किया, कॉन्स्टेंट रखा। जब इसको कॉन्स्टेंट रखेंगे तो उसका रेट भी कॉन्स्टेंट रहेगा ना, समझे आपको? तो हमने इसको कांस्टेंट रखा और इसको डबल किया और चेंज क्या हुआ ये देखा यहां पर, तो 90 के कितने टाइम्स बढ़ा है ये, 4 times 9 × 4 = 36, तो ये 38 है ना, 9 × 4 = 36, तो ये इसके 4 times है ना। तो इससे अपने को पता चला कि अगर हम एनओ का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं तो प्रोडक्ट 4 times बढ़ रहा है, मतलब ये 4 times डिपेंड है उस पर, समझा आपको? समझा आपको? ठीक है, 4 times हो गया। फिर आप बोलेंगे पावर टू क्यों लिखा है, अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला, और वन और थ्री को कंपेयर किया, जिसमें क्या हो रहा है, एनओ कॉन्स्टेंट है, मतलब एनओ को अपन क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट, उसको चेंज नहीं कर रहे, चेंज किसको कर रहे हैं अपन, O2 को, ताकि पता चले कि O2 चेंज करने पर प्रोडक्ट में क्या चेंज आता है, समझा आपको? तो O2 को कितना किया अपन ने, डबल एक्सपेरिमेंट वन और थ्री में, और इसको कांस्टेंट रखा तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, कांस्टेंट रखा तो। अब इसको डबल किया तो क्या चेंज आया, डबल हुआ, 90 का डबल हुआ ना, 9 × 2 = 18, 18 मतलब 19, तो डबल हो गया। तो इससे पता चला है कि अगर हम O2 कांस्टेंट रखते हैं तो अपना NO कितना इफेक्ट करता है, 4 times रेट पर इफेक्ट करता है, जबकि अगर हम NO को कांस्टेंट रखते हैं तो O2 सिर्फ 2 times इफेक्ट रखता है, तो हम इसको बोलेंगे R is directly proportional to NO 4 times या ये 2 times, और सिंपल लिया यहां पर दो 2 1 उसका रेट बताने के लिए, समझा आपको? समझाए राइट फास्ट, देख लीजिए इधर, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं ना हम इसको, शो कर रहे हैं, एक्सप्रेशन इन विच द रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ रेस टू सम पावर, जिसमें जो रिएक्शन टर्म्स है, ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन रेट, ये जो रिएक्शन रेट है ये रेस द पावर
ऑफ ये सम पावर बोला ना इसने यहां पर रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी द सेम. इसका मतलब क्या है कि पावर्स तो हम बता रहे हैं यहां पर कि ये इसके कोएफिशिएंट क्या थे ए बी, तो वो ए बी भी हो सकते हैं और ए बी से हटकर भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कभी किसी पर डिपेंड रहेगा किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा. इसलिए क्या बोल रहा है वो इन टर्म रेज टू सम पावर, कुछ पावर्स वहां पर शो किया है विच मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, मतलब वो ए बी भी रह सकता है या एक्स वाई रह सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए और बी की जगह पर है वन टू, तो पावर बन सकता है वन एंड टू अगर दोनों पर डिपेंड है तो. अगर बी पर डिपेंड नहीं है तो क्या आएगा वन एंड जीरो, तो चेंज हो गया ना. तो वो अपने को मैकेनिज्म के बाद ही पता चलता है या किसी ने वैल्यू दिया तो ही समझ में आएगा कि किस पर डिपेंड है. डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स यानी स्मॉल ए बी देखकर अपन पहचान नहीं सकते कि रेट लॉ क्या बनेगा. समझा आपको रेट एक्सप्रेशन क्या रहेगा. सेम द स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट. स्टाइकोमेट्री किसको बोलते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन को स्टाइकोमेट्री बोलते हैं. तो ये बैलेंस इक्वेशन है ना एक, ठीक है, ये भी बैलेंस इक्वेशन है एक पूरी. और इनकी स्टाइकोमेट्री क्या है, इधर टू इधर टू वन, मतलब बैलेंस्ड है. ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसिस. जो रिएक्टिंग स्पेसिस है यानी NO और O2 अपने प्रोडक्ट के साथ स्टाइकोमेट्रिकली बैलेंस है. समझा आपको स्टाइकोमेट्रिकली बैलेंस है टू वन टू, लेकिन जरूरी नहीं कि टू और वन इन पर डिपेंड हो. ये टू वन भी हो सकते हैं टू जीरो भी हो सकते हैं, जब तक अपने को कोई डेटा ना मिले या मैकेनिज्म पता ना हो. ओके राइट. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन हम यहां पर देखते हैं कैसे लिखेंगे अगर डिफरेंट कोएफिशिएंट्स रहे तो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर रिएक्शन है 3H2 प्लस N2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. सो हियर H2 एंड N2 आर द रिएक्टेंट्स, तो इनका डिसअपियरेंस होने वाला है एंड अमोनिया इज प्रोडक्ट, तो इसका अपीयरेंस यानी ये फॉर्म होने वाला है. तो इसका रेट कैसे लिखा जाता है, तो यहां पर इसको लिखते हैं ऐसे के कॉन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विथ माइनस साइन विथ चेंज इन टेम्परेचर R इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज इक्वल टू, अगर N2 का लिखना है माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, ओनली वन है ये, ठीक है, ये भी माइनस में क्योंकि रिएक्टेंट है, नॉ प्रोडक्ट है तो प्लस में 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T. ओके, तो आप देखेंगे यहां जो रिलेशन बताया जा रहा है कि अगर एक N2 डिसअपियर होता है तो उतने सेम टाइम में यहां पर हम उसका रेट किसके बराबर होगा 1/3 के रेट. आप बोलेंगे ठीक है दोनों तो यहां पर है तो ये ऐसा क्यों लिया है, ये 1/3 के बराबर है. फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में रिएक्शन कुछ कंप्लीट होती है, तो 1 मिनट में अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो 1 मिनट में कितना N2 डिसअपियर हुआ है, एक 1 मोल. लेकिन सेम 1 मिनट में कितना डिसअपियर हुआ है, 3. समझा आपको, मतलब 1 मिनट में अगर N2 डिसअपियर होता है उतने ही 1 मिनट में कौन डिसअपियर हो रहा है, H2 3 जा रहे, कितने जा रहे हैं 3. तो डेफिनेटली आप बताइए स्पीड किसकी जाता है, H2. तो जब रेट अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/3. समझा आपको गेटिंग. 1 मिनट में एक N2 खत्म होता है लेकिन उसी 1 मिनट में कितने 2 अमोनिया तैयार होते हैं, डेफिनेटली पता है ना आपको. तो स्पीड फॉर्मेशन किसका ज्यादा है, अमोनिया का, इसलिए जब इसके बराबर इसको लिखना पड़ेगा तो 1/2 लेना पड़ेगा. समझा आपको, मतलब अमोनिया का अपियरेंस रेट N2 के डिसअपियरेंस से डबल है, कितना है, डबल है, तो इसके बराबर जब लिखना है तो उसको हाफ लिखना पड़ेगा ना. समझा आपको,
एन टू का डिसअपियरेंस एच टू के डिसअपियरेंस से कितना है, 3 times कम है ना, क्योंकि ये 1 minute में 1 N2 जा रहा है जबकि 1 minute में 3 N2 जा रहे हैं। तो अगर N2 के बराबरी में इसको लिखना है तो कितना लिखने का, 1/3। समझा आपको, गेटिंग? चलो मैं एक यहां पर रिएक्शन लिखता हूं, NO और यहां पर हम लेते हैं दूसरा रिएक्शन लेते हैं एक, फॉर एग्जांपल कौन सा लेते हैं हम, एक ऑर्गेनिक वाला एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया एक CH4 प्लस 2O2 देन CO2 प्लस 2H2O। बोलिए मुझे रेट लिखना है सबके यहां पर, माइनस डेल्टा CH4 स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 1/2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, ओके, इज इक्वल टू प्लस डेल्टा CO2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। समझे आपको, अब इजी एकदम सिंपल है, नो प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टंटेनियस, इंस्टंट बोलते हैं ना, इंस्टंट एट द इंस्टेंट स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है, इंस्टंटेनियस रिएक्शन रेट, ये दो देखेंगे हम यहां पर, ओके, एवरेज रेट एंड इंस्टंटेनियस रेट। ये क्या होता है, एवरेज रेट होता है, एक्चुअली क्या होती है, रिएक्शन का जो रेट है ना डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, अनदर नेम था ली चैटलियर प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी के लिए, हमने देखा था ना, हाँ, तो लॉ ऑफ मास एक्शन या ली चैटलियर प्रिंसिपल जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब किसी भी रिएक्शन का, ये रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो अगर इस डायरेक्शन में अपने को जाना है तो हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वापस आना है तो हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन दी प्रोडक्ट, रिटर्न आना है तो बैकवर्ड डायरेक्शन। समझे आपको, और इक्विलिब्रियम तैयार हो जाता है, हमने ये इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कब, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों जब सेम हो जाते हैं तो रिवर्सिबिलिटी तैयार होती है, ठीक है। तो यहां पर आर का जो रेट है, आर रिएक्टेंट है यहां पर, उसका जो रेट है वो किस पर डिपेंड है, उसके कॉन्सेंट्रेशन पर। अगर फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन स्टार्ट हुई तब आर के 100 moles थे तो रेट बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वो ज्यादा से ज्यादा मूव होंगे प्रोडक्ट की तरफ। वो कम हो गए, 50 हो गए, रेट क्या हो गया, कम, फिर 25 हो गए, अब रेट मतलब स्लोली रिएक्शन मूव होंगी। समझा आपको, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है उसका कन्वर्जन स्पीड क्या होते जाता है, कम, मतलब हर स्टेप पे अलग अलग, हर टाइम इंटरवल पे अलग अलग स्पीड शो करेगा वो, 1 minute के बाद उसकी स्पीड कम हो जाएंगी, 2 minute के बाद और कम, मतलब रेट यानी जो कन्वर्जन है वो किस पे डिपेंड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इस तरफ से। समझा आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी, किस पे डिपेंड है, रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा उतना रिएक्शन का रेट ज्यादा। समझा आपको, तो हर टाइम इंटरवल पर अलग अलग मिल रहा है ना, तो हर टाइम इंटरवल पर जब अलग अलग मिल रहा है तो सबका मिलाकर टोटल अपने को क्या निकालना पड़ता है, एवरेज, क्या निकालते हैं, एवरेज, मतलब एकदम फाइनल माइनस इनिशियल, जिसको हम ये डेल्टा से शो करते हैं, एवरेज रेट। तो ये जो मैंने लिखा ये एवरेज रेट ही है, ठीक है।
अब मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं यहां पर जरा ध्यान से देखने का, ओके। ये कौन सा एक्सिस? वाई, और ये कौन है? एक्स, ओके। यहां पर जो है हम जो देख रहे हैं कि रेट हम निकालते हैं कैसे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ, ये टाइम है और ये है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता है, कम, धीरे धीरे कम होता है। तो यहां पर जो एक अपने को कर्व मिलेगा जो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, समझे आपको? टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, नीचे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया था टाइम टी वन, यहां पर जाकर हमारा रिएक्शन खत्म हो रहा है टाइम टी टू। तो एक लॉन्ग टाइम इंटरवल का जब रेट हम निकालते हैं उसको बोलते हैं एवरेज रेट। मतलब एवरेज रेट के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी टी टू माइनस टी वन, ओके। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यहां पर था फॉर एग्जाम्पल आर जीरो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? आर जीरो। और यहां फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपने को मिला फॉर एग्जाम्पल आर, कुछ बुक्स में आर लिखा हुआ है या आर टी लिखा हुआ है आफ्टर टाइम टी, समझा आपको? आर टी या आर, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है। तो अपन इसको यहां पर क्या लेते हैं समझने के लिए, आर टी, चलेगा ना, ओके। अब यहां पर ये आर टी लिया है हमने, तो हम बोलेंगे आर टी माइनस आर जीरो। तो जिसको मैंने अभी क्या कहा था यहां पर एवरेज, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ओके। इस तरह हम निकालते हैं रेट, समझे आपको? तो ये फाइनल जो था यहां पर अपना, ये रेट नहीं है, ये कौन है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। कंफ्यूज नहीं होना आरआर में, समझे क्या? तो ये फाइनल क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल, या हमको पता है कि अब ये डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए आप इसको कैसे लिखेंगे, आर जीरो माइनस आर टी, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ना, तो आपको बताना पड़ेगा ये जो आर आ रहा है यहां पर कि इनिशियल में से आपने फाइनल में माइनस किया उसको, यानी पहले कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था ना रिएक्टेंट का, अब धीरे धीरे क्या हुआ है, कम, समझा? ओके। तो ये जो परफेक्ट टाइम इंटरवल पे हम निकाल रहे हैं यहां पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। इसको भी एवरेज रेट बोलते हैं, या टू थ्री फोर फाइव टाइम इंटरवल है एक साथ उसका अगर हम निकाल रहे हैं उसको भी हम एवरेज रेट बोल सकते हैं, टू थ्री फोर फाइव स्टेप्स का, समझा आपको? गेटिंग, ओके। आप जरा ध्यान से देखिए इधर दूसरा ग्राफ, ये इसको मैं यहां लिख दूं, चलेगा? बोलो ना, इसको मैं यहां लिख देता हूं आर, यस, रेट इज इक्वल टू क्या है, आर जीरो माइनस आर टी अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो क्या मिलेगा अपने, हाँ, तो ये एक्चुअल लिखने के लिए, लेकिन हम अगर फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो क्या होती है, वैल्यू कैसे आती है, निगेटिव में। तो वैसा भी लिख सकता हूं मैं ये समझाने के लिए, अगर मैं लिखू आर टी माइनस आर जीरो, मतलब हम लोअर में से क्या निकाल रहे हैं, हाइयर, तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में। तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, समझ में आपको? ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां टाइम टी वन, मैं इसको ओनली टी लिखता हूं, ठीक है, टी टू, टी थ्री,
T4 मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आप रेट कैसे भी निकाल सकते हैं, मैं यूनिट्स बताऊंगा अभी आपको, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आर, पर डे, पर ईयर, सब यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो ईयर्स में कंप्लीट होते ना, समझे आपको? ठीक है, ओके। लेकिन अगर मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पे रेट निकालना है, मुझे निकालना है T3 पे कि यहां रिएक्शन का रेट कितना था, तो इसको भी निकाल सकते, मतलब इट इज, इसको बोलते इंस्टेंटेनियस रेट। अरे भाई ये क्या था, एवरेज रेट, रेट ऑफ अ रिएक्शन ऑन लॉन्ग टाइम इंटरवल, एक लॉन्ग टाइम इंटरवल पे जो रेट निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट, रेट ऑफ रिएक्शन एट द इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट, इसका मतलब क्या है, ऑन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टाइम, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। ये तो टोटल हो गया, इसका एवरेज निकाला हमने, फाइनल टाइम था जो भी, ठीक है, उसमें से इनिशियल माइनस किया, ओके। लेकिन एट द टाइम T3 अगर मुझे निकालना है स्पेशल कि यहां पर रिएक्शन का रेट कितना था, रिएक्शन स्टार्ट हुई 12 बजे और 12:05 को खत्म हो गई, 5 मिनट की रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, 12:05 - 12, तो यह एवरेज आ गया। लेकिन 12:03 पर रिएक्शन की स्पीड क्या थी वो भी निकाल सकते हम, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, समझा आपको? तो उसको अगर निकालने का रहा तो उसके लिए क्या रहता है, जो नियरेस्ट वैल्यू रहती है यानी T4 और T2, तो उसको निकालते हैं T4 माइनस T2, और वहां पर रेट कितना था R2, और यहां रेट कितना था R4, तो R4 माइनस या माइनस रिएक्टेंट रहा तो उधर से आएंगे ना, ये अभी समझने के लिए लिख लो R4 माइनस R2, समझा आपको? तो ये जो आएगा ये क्या रहता है, इंस्टेंटेनियस रेट, समझा? तो यहां पर बनेगा ये इंस्टेंटेनियस रेट, समझा, एट स्पेसिफिक टाइम टी, समझा? ओके। और स्मॉल टाइम इंटरवल है नहीं है, उसके लिए जो हम निकालते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं -dr/dt, व्हाट इज dt, स्मॉल टाइम इंटरवल, समझा आपको? और व्हाट इज dr, रेट ऑफ सॉरी कॉन्सेंट्रेशन एट स्मॉल, मतलब जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, पता है ना आपको कि इतने स्पेसिफिक टाइम में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज आया T4 से T2 के बीच में, समझा? ओके। तो अपने को ग्राफ यहां पर नीचे मिल रहा है निगेटिव की तरफ, सेम अगर हम प्रोडक्ट का बनाएंगे तो ग्राफ कैसे होगा, तो आप यहां पर इसको लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, इसको ऐसे भी लिखा जाता है R इंस्टेंट, और इसको R AV मतलब एवरेज, इस तरह से शो करते हैं। चलिए सेम अब हम नाउ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स इट इज द रेट एक्सप्रेशन, क्या होता है ये रेट एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ पावर्स इन अ रेट लॉ, किसी भी रेट लॉ के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं तो उनके पावर्स का
जो एक्सप्रेशन है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे आर ये एक रिएक्टेंट है, ओके, या मैं उसको ऐसे एग्जांपल ले लूं, ए प्लस बी रिएक्टेंट है, ये दे रहा है सी प्लस डी, और उसका फॉर एग्जांपल रेड एक्सप्रेशन ऐसा है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर वन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी पावर बी पावर टू, मतलब इसके वन पे ये डिपेंड है और इसके टू पर। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमको निकालना है तो हमने इसको क्या लिया था, एक्स वाई। तो अगर मैं इन जनरल लिख दूं इसको एक्स वाई, तो आंसर आता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, और ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब उनके पावर्स का एक्सप्रेशन। किसी भी रेट लॉ के अंदर जो रेट इक्वेशन है उनके जो पावर्स रहेंगे उनका एक्सप्रेशन कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अभी मैंने कहा कि ये R is equal to समझो A power 1 है और ये B power 2 है, तो ये बनेगा 1 plus 2 is equal to 3, order of reaction कितना रहेगा 3। कभी ऐसे भी आ सकता है rate concentration of A power 1 और concentration of P power 0, 1 plus 0, order of reaction 1। ये fraction में भी आता है, rate directly proportional to A पावर 1/2 और b का पावर समझो है 2/3। 1/2 मतलब 0.5, इसको 3/2 लेता हूं मैं, ठीक है, 3/2 मतलब कितना, 1.5 कितना होगा ऑर्डर 2, समझा आपको। तो फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, कुछ रिएक्शंस रहते हैं जिनका ऑर्डर जीरो में जाता है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे H2 plus I2, 2HI, ओके, ऐसे और भी रिएक्शन है बहुत सारे। तो अभी हम डायरेक्ट इसको लेते हैं इन जनरल कि यहां पर पावर इसका क्या है, जीरो, मतलब दोनों पर डिपेंड नहीं है रिएक्शन, दोनों पर डिपेंड नहीं है, तो उसका ऑर्डर क्या बनता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे होती है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना भी रहने दो रिएक्टेंट का, रेट उस पर डिपेंड है नहीं, डायरेक्ट सनलाइट पर डिपेंड रहेगा या रिएजेंट पर डिपेंड रहेगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कहां पर, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, आप कितना भी मीथेन लो, आप कितना भी क्लोरीन लो, लेकिन डार्क में है, अंधेरे में रिएक्शन नहीं होगा जब तक सनलाइट नहीं पड़ेगी। तो रेट किस पर डिपेंड है, सनलाइट है, जितनी ज्यादा हीट देंगे उतना रिएक्शन फास्ट, लेकिन डार्क में नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, समझा आपको, वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। तो रिएक्शन का जो ऑर्डर है जीरो हो सकता है, टू हो सकता है, वन हो सकता है, रेट फ्रैक्शन में भी आ सकता है, 1/2, बी का पावर है 1, 0.5 प्लस 1, 1.5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में आ सकता है, जीरो में आ सकता है, 1, 2, 3 हो सकता है, समझे आपको, ओके। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। नाउ यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट ऑर्डर में यूनिट्स डिफरेंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी इजी नहीं लेने का। हम रेट लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इस तरह से हम इसको शो करते हैं। फिर हम लिखते हैं R is equal to rate, हम rate कैसे निकालते हैं, किसी का K, okay, का क्या बनता है, concentration of A concentration of B, right है, ये कौन है rate, K concentration of A concentration of B। तो यहां पर हम जो K रहेगा constant उसके यूनिट्स भी चेंज हो सकते हैं, उसके यूनिट्स हम कैसे चेंज बताएंगे यहां पर, एक जरा इसको ध्यान से देखिए, ओके। सो नेक्स्ट यहां पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ पावर इन अ रेट लॉ। जो भी रेट लॉ इक्वेशन होती है, रेट लॉ क्या होती है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, हम बोलते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बस उनकी जो पावर्स रहती है जिस पर रेट डिपेंड है उनके एडिशन को हम बोलते हैं यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
सो इट इज द पावर रेट एक्सप्रेशन, रेट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं यहां पर जो भी रहेगा 3, 2, 1 एन से, इन टर्म ऑफ दियर पावर, उनके पावर के टर्म्स में, ठीक है, इन अ रेट लॉ। तो अगर यहां पर ए का जो पावर है ए 1 है, बी का पावर 2 है, तो दोनों एक्स प्लस वाई का एडिशन क्या आएगा, 1 प्लस 2। अगर ये 1 है और रिएक्शन में दिख रहा है अपने को बी भी इन्वॉल्व है, लेकिन रेट उस पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि मैं पहले वाले जो लेक्चर में आपको बताया कि यहां पर क्या है कि रेट दोनों पर डिपेंड होना जरूरी नहीं है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है, जैसे SN1 और SN2 का मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, तो इस पर डिपेंड है, इस पर नहीं है, तो एडिशन होगा 1 प्लस 0, मतलब ऑर्डर कितना है 2। तो ऐसे ऑर्डर बन सकते हैं 2, 1, 2, 3, 0 ऑर्डर भी रिएक्शन हो सकता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। उसका एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्या आप मीथेन कितना भी लो क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेशन, क्लोरीन कितना भी लो, सनलाइट जब तक नहीं पड़ेंगी रिएक्शन नहीं होने वाला है, तो रेट मतलब दोनों पे डिपेंड नहीं है, लाइट पे डिपेंड है, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड नहीं है, ना मीथेन पे ना क्लोरीन पे। अगर अंधेरे में डार्क में आपने क्लोरीन को और मीथेन को रखा, रिएक्शन नहीं होगा जब तक लाइट नहीं पड़ता, इसलिए ना मीथेन पे डिपेंड है, तो दो क्या बनेगा 0, 0, मतलब क्या आएगा ऑर्डर 0। तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है 1/2 और ये 1, तो 0.5 प्लस 1 1.5, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट मे बी 0, एनी इंटीजर नंबर रहेगा, या फिर फ्रैक्शन, कोई भी हो सकता है, ठीक है, ओके। अब यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके यूनिट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर ये हम इसको कहेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो ए और बी रिएक्टेंट है तो हम बोलेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है रेट। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या लेते हैं हम, इक्वल, मतलब कौन आएगा कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आ गया, हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं कॉन्स्टेंट को इधर लेके, ऐसे कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स, फिक्स नहीं है ना अभी, एक्स वाई, समझा आपको, गेटिंग, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, किसके लिए रहता है, रेट के लिए, इनटू 1 अपॉन ए और बी को एक साथ लिख सकते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या रहेगा इनका पावर एन, एन मतलब एक्स प्लस वाई, तो इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इसी को, ठीक है, ओके। ये आप अच्छे से याद रखिए, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन पावर एन, एन चेंज करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे, आप देखिए, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन इज इक्वल टू 0, 0 ऑर्डर रिएक्शन, इसमें से 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको एन की जगह पे क्या रखना है 0, लेकिन उसके लिए पहले आप ये देख लीजिए कि जो हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, जिसको क्या लिखते हैं, मोल लीटर इनवर्स, लीटर की जगह डीएम क्यूब भी आ सकता है, समझे आपको, हाँ, तो मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही निकालते ना हम, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते, नॉर्मैलिटी मोलैरिटी देखा ना हमने, तो क्या होता था वो, मोल अपॉन लीटर, कितना मोल लिया कितने लीटर में, है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर होता है, और जो टाइम है उसका हम जो सेकंड में ले सकते हैं, समझा आपको, सेकंड में ले सकते हैं, और कहीं में ले सकते हैं, मिनट में ले सकते हैं, आर में ले सकते हैं, तो जो भी आप लेंगे टाइम इंटरवल जो भी, तो वो यहां पर आएगा मोल पर लीटर, सेकंड ऊपर आ गया तो सेकंड इनवर्स, समझा आपको, तो ये किसका हो जाएगा, पूरे रेट का, समझा क्या आपको, सेकंड जब ऊपर आ जाएगा तो रेट का मिल जाएगा ना अपने को, गेटिंग, ओके।
तो अब एक एग्जांपल मैं यहां बता रहा हूं आपको, के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, इसका क्या रहता है, मोल लीटर इनवर्स कॉन्सेंट्रेशन टाइम सेकेंड इंटू वन अपॉन ऑर्डर कितना है जीरो, अगेन कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है मोल लीटर इनवर्स इसका और पावर जीरो एन जीरो। ओके तो ये जीरो है मतलब क्या मिलेगा आपको, जीरो है मतलब नहीं नहीं कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल कैंसिल क्या मिलेगा ऑर्डर बोलो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, बराबर है कि नहीं, ये तो जीरो है मतलब कुछ नहीं है ना, ये मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ऊपर आ गया। अब उसी को देखो आप ध्यान से, n इज इक्वल टू वन तो ये वन बनेगा। ओके क्या बनेगा देखो, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इंटू वन अपॉन मोल लीटर इनवर्स पावर वन, मतलब एक है कैंसल कैंसल, सेकेंड ऊपर आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट के का होता है सेकेंड इनवर्स ओनली। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, हालांकि है सिंपल। ओके ऑर्डर टू, यहां क्या आएगा टू, जब यहां टू आएगा तो दो में से एक कैंसल बचा, यहां पर एक ही बचा ना, हाँ तो मोल जब ऊपर आएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा और एल पॉजिटिव हो जाएगा, तो मोल इनवर्स एल सेकेंड इनवर्स, तो फॉर एन इज इक्वल टू टू के क्या बनेगा मोल इनवर्स, ये ऊपर आने के बाद क्योंकि दो है ना टू लिखा हुआ है तो, और सेकेंड लीटर सेकेंड इनवर्स, समझा आपको। आप कोई भी बना सकते, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर फ्रैक्शन वाला भी बना सकते, नो प्रॉब्लम, राइट फास्ट। नाउ इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ जो हमने देखा, ये कुछ हद तक हमको रिएक्शन को एक्सप्रेस करने, उसके रेट एक्सप्लेन करने रेट बताने के लिए हेल्प करता है। लेकिन कुछ जगह हमको जो है इंटीग्रेटेड इक्वेशन चाहिए होती है, मतलब एक सॉल्व इंटीग्रेशन से जरिए, मतलब सॉल्व इक्वेशन थ्रू दी इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन के जरिए से हम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को अगर हम निकालते हैं तो वो इक्वेशन जो आएंगी वो हमको और ज़्यादा हेल्प करती हैं कि हम उसकी हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए आया इंटीग्रेटेड रेट लॉ, मतलब इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया गया है और अपने लिए एक इजी वे में एक फॉर्मूला तैयार कर दिया गया है जिससे अपन उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, चलिए जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर कि अगर एक रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, ओके तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम बोलते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर यहाँ पर रेट डिपेंड है। और इसका जब हम रेट निकालते हैं तो रेट हम निकालते टाइम इसको क्या करते हैं, हाँ नहीं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इसको लेते हैं हम, तो हम क्या बोलते हैं उसको डी आर अपॉन डी टी, ओके माइनस साइन के साथ में, ओके और जब हम इसका ऑर्डर लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जिसका मतलब क्या होता है आर इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, ये आर मतलब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का है और ये रेट का है, गेटिंग ओके तो हम बोल सकते हैं ये आर जो है इसके इक्वल है
और ये आर इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब हम बोल सकते हैं के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, समझा आपको, दोनों इक्वल हो गए ना, तो हम बोल सकते हैं माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और ये क्या है आर, इफ दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, कौन सी रिएक्शन है ये, जीरो ऑर्डर, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर के लिए अपने को पता है ये क्या हो जाता है पावर जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो, यहां पर भी जीरो और ये जीरो, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू वन, जीरो है मतलब ये वन हो जाएगा, उसका पावर जीरो है ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर वन, ओके। अब यहां पर हम डी टी को ऊपर भेज देते हैं, तो माइनस माइनस साइन भेज सकते उधर, माइनस साइन इनवर्स है ना रिलेशन में, तो हम बोल सकते हैं इसको डी आर अपॉन डी टी माइनस के इंटू डी टी, के इंटू डी टी, तो ये डी टी यहां पर चला गया, ओके। अगर ये डी टी को हमने सॉरी डबल आ गया, ये डी टी को हमने ऊपर भेज दिया तो ये क्या बनेगा डी आर, समझा आपको, ओके। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, हम इसका निकालते हैं इंटीग्रेशन, क्या निकालते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पता है ना आपको, इंटीग्रेटेड वैल्यू, ये डी का मतलब क्या है स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो ऐसे स्मॉल 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 मिलकर बहुत सारे बनते हैं, तो जो नॉन मैथ्स वाले जरा ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन के साइन को हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर ये वाला इज इक्वल टू माइनस के, क्या है कॉन्स्टेंट, तो जो चीज कॉन्स्टेंट रहती है उसका इंटीग्रेशन नहीं निकलता, जो चेंज होती है उसका कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन निकलता है, तो के को हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, लेकिन टाइम भी चेंज हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो इसका इंटीग्रेशन भी आएगा डी टी, इसको हम क्या बोलते हैं इनिशियल और ये फाइनल, वैसे ये भी इनिशियल फाइनल। अब ये बेसिक चीज है, आपको मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाहर आने के बाद क्या बनता है x, पता है ना आपको, तो इसका जब इंटीग्रेशन आप लेंगे तो बाहर आने के बाद क्या बनेगा r, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू माइनस k, और ये जब बाहर आएगा तो t बनेगा, बराबर है। इंटीग्रेशन से जब हम बाहर निकलते हैं तो यहां पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है, c लेते हैं ना, यहां पर i लिया हुआ है, कुछ भी ले सकते हैं ना सिंबल, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है c, तो यहां पर क्या लिया है आई, तो चलता है आप सी भी रख सकते हैं, लेकिन यहां उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि अपनी बात चल रही है रेट ऑफ रिएक्शंस की, केमिकल काइनेटिक्स की, तो उसने अलग लिया यहां पर कांस्टेंट आई, ठीक है। फिर क्या बोलता है वो, अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये टाइम जीरो पर हुआ रिएक्शन, मतलब इनिशियल जब टाइम जीरो था तो अपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या कंसिडर किया यहां पर उसने आर जीरो, क्या लिया है आर जीरो, तो यहां पर अपना क्या आ जाएगा इक्वेशन आर जीरो माइनस के इंटू जीरो प्लस आई, जीरो इंटू के मतलब आर जीरो इज इक्वल टू आई, तो इससे अपने को आई की वैल्यू मिली, यानी उस कांस्टेंट की वैल्यू मिली, के जो हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है कौन, तो वो कौन है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या बोलता है वो, अपनी जो इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन कहाँ गई, वो इक्वेशन यही है कहाँ गई, आर जीरो वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, तो ये इक्वेशन में क्या रख दो बोल रहा है वो, आर जीरो का वैल्यू, आर जीरो का वैल्यू क्या है आई है, आर जीरो का वैल्यू आई है, तो हमने उसको सॉल्व करके किधर लेकर आए थे यहाँ तक, यहीं तक यहीं आए ना, हाँ, तो आर जीरो के अंदर वैल्यू रख देते हैं। चलिए यहाँ आर जीरो में जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा, आर जीरो का वैल्यू क्या है आई, यानी आई का वैल्यू क्या है आर जीरो, तो कहाँ गया यहाँ रखते हैं ये इक्वेशन में, सॉरी ये इक्वेशन में पुट करेंगे हम उसको, ठीक है, उस इक्वेशन में नहीं, तो आई का वैल्यू रखना है अपने को, आई का वैल्यू क्या है आर जीरो, तो यहाँ पर क्या आएगा आर जीरो, तो इक्वेशन क्या बनेगा
आर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर मतलब रिएक्टेंट, माइनस के इंटू टी प्लस आर जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ग्राफ के लिए यूज कर देना, ये इक्वेशन हम यूज करने वाले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y की जगह कौन आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब r। ओके okay. m कौन है यहां पर? स्लोप, कॉन्स्टेंट मतलब ये कॉन्स्टेंट m है ना, तो ग्राफ में क्या बनता? स्लोप। और x एक्सिस पे कौन आएगा? टाइम नीचे ग्राफ में, ठीक है। और यहां पर कॉन्स्टेंट कौन है? आर जीरो, क्या बोलते हैं जिसको आप? इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं? इधर देखो इधर, हाँ y पे कौन है? r, ये r है ना, y एक्सिस पे r, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट। x एक्सिस, x एक्सिस पे कौन है? टाइम, टाइम t, ओके okay? हाँ अब मुझे बताइए स्लोप कैसे मिलेगा, ये रिएक्टेंट की बात चल रही है, ऐसे क्या ऐसे? हाँ मतलब ऊपर से नीचे, और जो स्लोप है m, m मतलब स्लोप, वो कौन है? k, और k क्या है? माइनस, और माइनस है तो डेफिनेटली स्लोप नीचे जाना चाहिए, माइनस है मतलब स्लोप नीचे, ओके okay. और ये जो इंटरसेप्ट है वो कौन है? आर जीरो, कांस्टेंट जो है, समझा आपको? ठीक है, तो इस तरह अपने को यहां पर ये इक्वेशन मिली है जो हमको हेल्प करती है रेट और ऑर्डर में रिलेशन के लिए, और ये ग्राफ हमको हेल्प करता है, ठीक है राइट right? इसको लिखो आप, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, तो यहां पर हम देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ये यहां पर हमको देखना है, ठीक है। बेसिक से जाएंगे एकदम, सबसे पहली चीज जो फैक्टर को ये रेट को इफेक्ट करती है, रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, जैसे हमने देखा ना कोई रिएक्शन है जो सेकेंड्स में होती है, कुछ मिनट्स में होते हैं, कुछ किसी को घंटे लगते हैं, किसी को दिन लगते हैं, मतलब फास्ट मॉडरेट और स्लो, ये तीन टाइप के रिएक्शन मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर के, रिएक्शन की अलग अलग स्पीड होती है, कुछ स्लो होते हैं, कुछ मॉडरेट रेट के होते हैं और कुछ फास्ट होते हैं, ओके तो अब हम देखते हैं कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि N2O5 ये कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं हम, ठीक है, तो NO2 बना था याद है आपको रिएक्शन लास्ट टाइम, तो इसको अगर डिकम्पोज करने जाए हम, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 12 मिनट में ये रिएक्शन हाफ हो जाती है, मतलब हाफ ऑफ द N2O5 ऑफ इनिशियल अमाउंट रहेगा, समझा आपको? जो N2O5 आपने स्टार्टिंग में लिया है उसका हाफ बचेगा 12 मिनट के अंदर, तो उसका हाफ लाइफ हो गया ना 12 मिनट, ओके okay. ये रिएक्शन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे आप तो टाइम ज्यादा लगता है, ज्यादा टाइम लगेगा उसको, ठीक है, आर्स में चले जाता है, और टेम्परेचर कम करेंगे तो और टाइम लगेगा उसको डिकम्पोज होने के लिए, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे तो जल्दी जल्दी हो रहा है डिकम्पोजिशन, मतलब टेम्परेचर इफेक्ट करता है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, तो उसमें से पहला है टेम्परेचर, इसको तो हम डिटेल में देखने वाले हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर एक फैक्टर है जो रेट को इफेक्ट करता है, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होने वाला है, रेट भी बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, सिंपल सी बात है, हम सादे से जो है सेगड़ी पर या लो टेम्परेचर पर चाय बनाते हैं टाइम लगता है,
उसी को अपन गैस पे या हाई टेम्परेचर पर इंडक्शन पे बनाते हैं तो जल्दी बनता है, तो वहां टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है उसको, समझे आपको? तो रिएक्शन का स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, रेट बढ़ गया। तो ये डायरेक्ट इस पर डिपेंड रहता है। और ऑलमोस्ट केसेस में ये देखा गया है कि अगर कोई रिएक्शन का टेम्परेचर समझो टी पर, उसका रेट कॉन्स्टेंट समझो के है, या रेट ऑफ रिएक्शन समझो अगर जो भी रहेगा, अगर हम टी प्लस 10 करते हैं, मतलब 10 डिग्री बढ़ा देते हैं उसके अंदर, तो अपने को जो है ये कांस्टेंट क्या मिलता है, तकरीबन डबल रेट, कांस्टेंट भी डबल मिलता है, उसका रेट भी बढ़ जाता है। रेट डबल होगा जरूरी नहीं है, मतलब अगर आपने टी टेम्परेचर पे किया तो रेट जो भी रहेगा, और टी प्लस 10 पे अगर हम आगे करते हैं तो रेट प्लस मिलेगा आपको, मतलब आगे बढ़ेगा, ठीक है? तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बाद में के का भी रिलेशन आएगा, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? ओके, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिएक्शन फास्ट होते जाती है, तो ये एक फैक्टर है, इसको हम बाद में डिटेल में देखने वाले हैं। सेकेंड है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो रेट भी उतना ज्यादा होगा। सरफेस एरिया लार्ज सो रेट विल बी मोर। जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उतना रिएक्शन फास्ट होता है। एग्जाम्पल आप देखिए, लकड़ी को हम जलाते हैं, समझो फॉर एग्जाम्पल आपने एक 2 ग्राम का पीस लिया लकड़ी का, ठीक है, और उसको आपने बर्निंग के लिए छोड़ दिया। सेम 2 पीस का आप पाउडर बनाते हैं और उसको जलाते हैं, फास्ट कौन सा जलेगा? पाउडर फॉर्म में फास्ट जलता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। मतलब कोई भी अगर सब्सटेंस है तो आप देखेंगे अगर वो इस तरह से है तो इसका सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं यहां से, समझे आपको, उसके फेसेस काउंट करके। लेकिन इसी को अगर हम यहां से ब्रेक करते हैं तो ये 2 पीस में बन गया यहां पर इस तरह से, राइट? तो अब न्यू सरफेस एरिया तैयार हो गया। पहले सरफेस एरिया किधर था? इधर, इधर, इधर और बैक साइड से। अब यहां पर ये न्यू सरफेस एरिया तैयार हुआ ना, समझे आपको, जहां से हमने उसको ब्रेक किया न्यू सरफेस एरिया बन गया ना। ये पेन है जैसे, आपको दिख रहा है ना, इसका कुछ ना कुछ सरफेस है, बराबर है ना? जैसे ब्रेक किया तो न्यू सरफेस तैयार हुआ ना, इधर इधर, समझे आपको, गेटिंग? तो जितना हम उसको ब्रेक करते जाते हैं सब्सटेंस को तो उसका सरफेस एरिया बढ़ते जाता है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा वो इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल जिससे रिएक्शन कर रहा है उसके कॉन्टैक्ट में ज्यादा है ना, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, समझे आपको। थर्ड फैक्टर क्या होता है? केमिकल नेचर, मतलब स्टेबल है या रिएक्टिव है, स्टेबल और रिएक्टिव, के जो केमिकल है जो हम यूज कर रहे हैं वो स्टेबल है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने देखा ना, किसी में रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो वो जल्दी रिएक्शन नहीं देते हैं। तो डेफिनेटली जो स्टेबल होते हैं उनका रेट क्या होता है? कम। और जो रिएक्टिव है उनका रेट क्या रहेगा? ज्यादा, ठीक है? तो ये केमिकल नेचर में और भी चीजें आती है, जैसे इसमें फेज भी काउंट होता है। फेज, फेज मतलब रिएक्शन कौन से फेज में हो रही है, गैस फेज, लिक्विड फेज या सॉलिड फेज। तो गैस फेज में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर डिस्क्रीट, सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स है ना, मतलब गैस ए गैस बी को अपन ने मिक्स किया तो फटाफट एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे वो, तो ये रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है? लिक्विड में जाएंगे तो अपन मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल आपस में मतलब इंटरकनेक्टेड है, इसके मॉलिक्यूल्स बी के आपस में इंटरकनेक्टेड है, टाइम लगेगा ए से ए को ब्रेक होने के लिए, बी को बी से ब्रेक होने के लिए, फिर ए बी बनने के लिए, समझे आपको। तो लिक्विड, सॉलिड में हम जाएंगे तो दे आर टाइटली होल्डेड बाई दी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस के अंदर टोटली पैक्ड है एकदम, ये वाले भी पैक्ड है, आसानी से छोड़ेगा नहीं ना, तो रिएक्टिविटी क्या होती है उसकी, और कम। फिर इसके अंदर एक और एक होता है, ये नेचर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, जैसे होमोजिनस एंड हेट्रोजिनस। तो जो होमोजिनस रहते हैं सिमिलर टाइप के, उनमें इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होता है, और जो डिफरेंट टाइप के रहेंगे हेट्रो, उनमें इंटरेक्शन प्रॉपरली नहीं होता है। ये हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, वुड्स रिएक्शन में हमने देखा कपलिंग में अपने को इवन वाला अच्छे से मिलता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, सिमिलर है, ये भी एक पॉइंट है। और होमोजिनस और हेट्रोजिनस भी, होमोजिनस जो रहते हैं वो सेम नेचर वाले रहते हैं, वो इंटरेक्शन फास्ट करते हैं, ठीक है? ओके,
तो ये भी फैक्टर है जो रेट पर रेट को इफेक्ट करेगा। इसी तरह एक इंपॉर्टेंट है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या घटाता है। तो ये पार्ट भी अपन जो है यहां पर डिटेल में देखने वाले, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो रहता है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता भी है घटाता भी है। जो बढ़ाता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो घटाता है इसको हम बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। एक्चुअली क्या होता है, जब हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था रिएक्शन, याद है आपको SN1 SN2, तो SN2 में आपने देखा था इस तरह से ग्राफ बनता था, ये अपना रिएक्टेंट है, ये अपना प्रोडक्ट है, ये कौन है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट। किसी भी रिएक्शन को प्रोडक्ट बनने से पहले उसको ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ता है, मतलब पहले उसको लूज होना पड़ता है, समझे आपको। अब कोई वॉल है, कोई वॉल अपने को गिराना है तो उसको हथौड़े से हैमर से आप मारते जाएंगे, बहुत देर तक मारेंगे मारेंगे मारेंगे, तो जब वो लूज हो जाएंगी अब आपको लगेगा कि अब ये गिरने के लिए तैयार है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। उसके लिए आपको एनर्जी लगाना पड़ा है ना, तो जितना ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं उतना ज्यादा जो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट, इसको ये डिफरेंस आएगा, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, समझे आपको। तो ऐसे ही रिएक्टेंट्स के अंदर, केमिकल्स के अंदर अलग अलग केमिकल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसके बॉन्ड्स ब्रेक करना पड़ते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी देना पड़ेगी ना, किसी का बॉन्ड स्ट्रांग रहता है तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है, किसी का बॉन्ड वीक रहता है तो एनर्जी कम देना पड़ती है। तो जहां एनर्जी कम देना पड़ती है वो जल्दी से प्रोडक्ट बन जाता है, तो वहां ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, कम छोटी होती है, क्योंकि एनर्जी कम लग रही है ना उसको। लेकिन जिसके बॉन्ड स्ट्रांग है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ता, मतलब ज्यादा हीट करना पड़ता, तो ग्राफ में ज्यादा बताएगा वो, समझे आपको, तो उसको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगी। तो लेकिन अगर हम कोई रिएक्टेंट है और उसको एनर्जी ज्यादा देना पड़ती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसका रेट क्या रहने वाला है, कम, जल्दी से नहीं बनेगा ना, टाइम लगेगा उसको। लेकिन इस रिएक्टेंट को अपन लूज बना देते हैं, लूज कर देते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया वॉल को अपन तोड़ रहे हैं, तो हैमरिंग बहुत करना पड़ेगा ना, हथौड़े से बहुत मारना पड़ेगा तब वो लूज होंगी। लेकिन आजकल कुछ केमिकल्स आते हैं पता है आपको, वो स्प्रे अगर मार दिया आपने वॉल के ऊपर वो ऑटोमेटिक लूज हो जाती है, तो आपको हथौड़ा मारना पड़ा, वो केमिकल है, उसमें होल्स करके सिर्फ छोड़ देते केमिकल, वो ऑटोमेटिक एकदम मिट्टी की तरह हो जाती है। हार्ड वॉल भी सिर्फ उसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो गिर जाएंगी, तो वो जो केमिकल था वो कैटलिस्ट का काम किया है, समझा आपको। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो स्टेबल रिएक्टेंट है ना, तो कैटलिस्ट डालने पर वो स्टेबल रिएक्टेंट क्या बन जाता है, अनस्टेबल, मतलब उसकी स्टेबिलिटी लॉस हो जाती है। जब स्टेबिलिटी लॉस हो जाती है तो उसको ट्रांजिशन स्टेट में ले जाने के लिए यानी वीक करने के लिए बहुत कम एनर्जी लगेगी, मतलब पाथ चेंज हो जाता है। ये यहां से मतलब कैटलिस्ट डालने के बाद ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट विद कैटलिस्ट, तो अब ये ग्राफ ऐसे मिलेगा। हालांकि सेम प्रोडक्ट सेम रिएक्टेंट है लेकिन साथ में कौन आ गया, कैटलिस्ट। तो अब अपने को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या मिल रही है, कम, मतलब कम एनर्जी पर वो क्या हो जाएगा, ब्रेक, समझे आपको। तो ये कैटलिस्ट ने आकर किया है, ये क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है रिएक्टेंट को, जिससे वो आसानी से ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बोला जाता है द सब्सटेंस विच चेंजेस द पाथ, पाथ चेंज कर दिया ना उसने ग्राफ का, यहां पर द सब्सटेंस विच चेंजेस द पाथ बाय मिनिमाइजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को मिनिमाइज करके पाथ चेंज करता है और उससे रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन पर। ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है कि कितने मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हुआ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलिजन, क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स तो 100-100 आ गए थे लेकिन परफेक्ट डायरेक्शन में 50 ही टकराए, तो रेट कम होगा ना। जैसे एग्जाम्पल अपन ने SN2 रिएक्शन देखा, याद है आपको, तो OH- अटैक करता है फ्रॉम बैक साइड, तो अपन ने इसमें कंडीशन भी देखे थे, अगर फ्रंट से अटैक किया तो रिएक्शन नहीं होगी, Br और OH- का रिपल्शन, समझे आपको। तो प्रॉपर डायरेक्शन में उसका कोलिजन होना जरूरी है, अगर कोलिजन OH- ने सामने से किया तो रिएक्शन नहीं हुई, मॉलिक्यूल वापस चले गए, नो रिएक्शन। अगर पीछे से अटैक किया तो
रिएक्शन होगा, देखा था ना अपन ने बैक साइड अटैक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कोलिजन किस तरह से हुआ है, तो ये फैक्टर्स है जो रेट पर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अर्हेनियस इक्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट है अपना अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो अर्हेनियस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सिंपली है K इज इक्वल टू ए ई द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इस इक्वेशन को कहा जाता है अर्हेनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से बहुत सारे ग्राफ्स, बहुत सारे टेम्परेचर रिलेटेड रेट्स एंड रेट कांस्टेंट को काउंट किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए इसको हमको इलाबरेट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा एक्सपांड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो के होता है ये तो रेट कांस्टेंट है, इसको हम सभी जानते हैं, इट इज रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट होता है जो अलग अलग रिएक्शन में हम अलग अलग निकालते हैं, हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अलग होता है। ठीक है, डेफिनेटली रेट अलग अलग है तो रेट कांस्टेंट भी अलग आएगा। रेट कांस्टेंट हम कैसे निकालते थे याद है ना आपको, के इज इक्वल टू यस जैसे आर से निकालते थे, आर इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसके पावर की हेल्प से हम उसको काउंट करते थे। भूल गए आप लोग, हम कैसे निकालते थे उसको, रेट इज इक्वल टू याद है आपको, रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर जो भी रहेगा उसका, इस तरह से हम निकालते थे ना, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर इसी की हेल्प से निकालते थे हम उसको। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होती थी वहां पर, कॉन्स्टेंट होती थी। ठीक है, तो वो हर पर्टिकुलर रिएक्शन का एक रेट कांस्टेंट यहां पर होता है। ठीक है, ओके, फर्स्ट ऑर्डर का अलग था, जीरो का अलग था। ठीक है, तो अब यहां पर के रेट कांस्टेंट होता है, ए जो है ये अर्हेनियस कांस्टेंट है। मतलब कोई भी इक्वेशन को एक कांस्टेंट आकर क्या करता है, बैलेंस करता है और एक ऐसी फिक्स वैल्यू बताता है जो कि स्टैंडर्ड होती है, तो उसमें वो है अर्हेनियस। इसको ऐसे ही बस आपको याद रखना है, अर्हेनियस कांस्टेंट। ओके, ये तो एक्सपोनेंशियल है और ये उससे पहले आता है, इसलिए अर्हेनियस कांस्टेंट को प्री एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। अर्हेनियस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। उसमें ई ए कौन है, एनर्जी एक्टिवेशन, देखा ना अभी अपन ने। ओके, आर कौन है, गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट होता है। ओके, जो कि कितना होता है, 8.314 जूल, याद है आपको, 8.314 जूल याद है। ओके, तो ये क्योंकि इसको भी हम जूल में काउंट करते हैं। ठीक है, मैं ग्राफ में आपको कैलोरी में बता रहा था, यहां पर इसको जूल में काउंट करते हैं, तो डेफिनेटली आर भी कैसे में आएगा, जूल में, और T इज द टेम्परेचर, T होता है टेम्परेचर। ओके, तो दिस इज अबाउट अर्हेनियस इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर अर्हेनियस इक्वेशन को हम लॉग लेते हैं, ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन है K इज इक्वल टू A e पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अगर हम इसका लेते हैं लॉग, नेचुरल लॉग, तो दोनों साइड लेना पड़ेगा, तो इक्वेशन बनती है एल एन के, नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब ये इनटू में यहां पर मल्टीप्लीकेशन है ना, तो दोनों का लॉग निकालना रहा तो क्या करना पड़ता है, प्लस, मतलब एल एन के इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो इसका क्या बन जाता है, इसका एल एन जब निकालते हैं अपन ई टू द पावर का, तो डायरेक्ट जो वैल्यू है वो आ जाती है, माइनस ई ए बाय आर टी।
जैसे होता है आप बेसिक तो जानते हैं मैथ्स मेरे से ज्यादा, कि हम बोलते हैं ln x x टू दी पावर a का बनता है आंसर a, मालूम है ना आपको? तो वैसे ही इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, ln k इज इक्वल टू ln a प्लस माइनस ई ए अपॉन आर डी, क्योंकि यहां जैसे पावर a था ना, तो यहां पावर कौन है, माइनस ई ए बाय आर डी, तो ये a की जगह पे अपन ने उसको वहां डायरेक्ट रख दिया है। ओके, प्लस माइनस एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हुए एक इक्वेशन यहां पर। ओके, एल एन को नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303। अगर एल एन एक्स है और इसको लिखना है लॉग बेस 10, जो अपन लॉग बुक से निकालते हैं, तो क्या करना पड़ता है, 2.303 इंटू एक्स, पता है ना आपको? अरे पता है कि नहीं है? तो इसको भी log 10 करना है, इसको भी log 10 करना है, तो क्या बनेगा, log 10 पहले लिखेंगे ना उसको, हाँ 2.303 log base 10 k, और यहां क्या छूट गया, a छूटा ना, अरे नहीं ये तो अपना एक्सप्लेन कर रहे थे हम, ठीक है ये ऊपर है, 2.303 log बेस क्या बन गया ये 10 a, ओके माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर ये 2.303 वाली ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई बाय सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2.303, इस इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करेंगे, तो 2.303 अपॉन 2.303 log 10 k बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनाएगा log 10 a, और यहां नीचे कौन आ जाएगा, क्योंकि सबको डिवाइड करना है ना पूरे फैक्टर्स को, 2.303 rt, ये इक्वेशन हमारे लिए यूजफुल है, इसको हम देखने वाले हैं। ओके राइट फास्ट फिर आगे जाते हैं। तो अब यहां पर हम अरेनियस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो एक बात अभी हमने यहां पर देखी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है, तो कांस्टेंट पे भी इफेक्ट होगा, वेरिएबल है तो उसके साथ साथ कांस्टेंट भी चेंज होगा विथ टेम्परेचर। तो अगर हम दो टेम्परेचर लेते हैं T1 एंड T2, तो ये जो इक्वेशन अपने को मिली है ये इक्वेशन चेंज हो सकती है। जैसे अगर हम इसको लेते हैं एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 अगर हम यहां पर इसको लेते हैं तो इक्वेशन बन जाती है एलएन के वन, क्योंकि ये भी वेरिएबल हो जाएगा यहां पर स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए, एलएन ए प्लस माइनस क्या बन गया था, माइनस ई ए अपॉन आर टी वन पे ले रहे ना हम इसको। ओके इक्वेशन वन, एट टेम्परेचर T2 इक्वेशन क्या बनेगा, ln K2 ln A माइनस ई ए अपॉन आर T2 इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, टू में से अपन वन को माइनस कर देते हैं तो डेफिनेटली क्या होंगे यहां पर, ln K2 माइनस ln K1 ln K2 माइनस ln K1 ln A माइनस ln A कैंसल, बराबर है ना, प्लस माइनस कैंसल, अब आ जाएगा कौन, माइनस
ई ए अपॉन आर टी टू, ये माइनस ये माइनस माइनस ई ए अपॉन आर टी वन एल एन के टू एल एन के वन माइनस है तो डिवीजन में लेते हम एल एन के टू बाय के वन, तो एल एन के टू बाय के वन माइनस माइनस प्लस माइनस ई ए बाय आर टी टू प्लस ई ए अपॉन आर टी वन। ओके इधर आ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो ये आ गया एल एन के टू बाय के वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू और ये प्लस ई ए अपॉन आर टी वन एल एन के टू अपॉन के वन कॉमन लेते हैं ई ए अपॉन आर ई ए अपॉन ई ए अपॉन आर ई ए अपॉन आर कॉमन ले लिया है तो इसको बाकी को हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, सबको पता है बेसिक। ओके फिर इसको आगे और सॉल्व करते हैं एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको ये अपॉन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू, ठीक है। तो एट वेरियस टेम्परेचर एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड एट डिफरेंट कॉन्स्टेंट दिस इक्वेशन हेल्प्स टू कैलकुलेट टेम्परेचर बाय नोइंग अनदर टेम्परेचर विथ टू कॉन्स्टेंट और वी कैन कैलकुलेट वन कॉन्स्टेंट बाय नोइंग अनदर कॉन्स्टेंट विथ टू टेम्परेचर, समझे आपको। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके एल एन को हटाने का है log 10 2.303 तो 2.303 log बेस 10 k2 by k1 is equal to ea upon k, इधर कौन है सॉरी r है नहीं है t2 minus t1 t1 into t2 2.303 को नीचे भेज सकते हैं so log 10 k2 upon k1 ea upon 2.303 r t2 minus t1 upon t1 t2, ये भी इक्वेशन यूजफुल है। ओके राइट चलिए तो अरेनियस इक्वेशन सबसे पहले जो अपन ने देखी वो कौन सी थी, k is equal to a e to the power minus e a upon rt, ये फर्स्ट इक्वेशन देखे हमने। उसके बाद एक ln वाली इक्वेशन देखे ln k is equal to ln a और इसको सॉल्व करे थे अपन ने कौन सी साइन आई थी यहां पर minus e a upon rt, ये एक इक्वेशन देखे थे हमने। ओके एक और एक इक्वेशन देखे थे हमने log 10 k is equal to log 10 a minus ea upon 2.303 rt, इसी को सॉल्व करके बनाए थे ना। हाँ ये तीन इक्वेशन है, जरा ध्यान से देखिए। तो y is equal to C प्लस एम एक्स या एम एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन है ग्राफ के लिए हम यूज करते हैं वो यहां पर अप्लाई करना है इन तीन इक्वेशन के लिए। ओके तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम ये वाला जो लास्ट वाला दिया हुआ है log 10 k, मतलब हम k की जो अलग अलग रिएक्शंस करेंगे उनके जो कॉन्स्टेंट्स आएंगे यहां पर, तो कॉन्स्टेंट्स का log निकालेंगे और जो log की वैल्यू है ग्राफ में कहां पर रखेंगे y पर। तो पहला इक्वेशन दिस वन log 10 k log 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 rt,
फर्स्ट। तो ये बनेगा ग्राफ इस तरह से, ओके। तो यहां पर वाई एक्सिस पे कौन है, लॉग 10 के, तो ये है लॉग 10 के, ओके। और एक्स एक्सिस पे कौन आएगा, 1/t, ये जो टी दिख रहा है ना, ये 1/t, इसको अलग कर दो, ये कांस्टेंट है ना, इनको अलग, आर को अलग, 2.3 और 3 को, और ई ए को निकाल दो इधर से। तो 1/t आएगा कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पर, मतलब ये वाला, ये हो गया इधर और ये आ गया उधर, ठीक है। और log 10 a क्या रहेगा, c, यानी इंटरसेप्ट यहां पर रहता है ना, log 10 a, ये इंटरसेप्ट है यहां पर, ओके। और उसके बाद जो है कौन है, अब यहां पर m स्लोप, माइनस में है फॉर्मूला अपना, प्लस में, लेकिन इसकी वैल्यू क्या में आएंगी, माइनस में। जब माइनस में वैल्यू आएंगे तो किधर जाएगा, नीचे जाएगा, ये माइनस में स्लोप आ रहा है अपना, और उसकी वैल्यू क्या है, माइनस ई ए अपॉन, माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, टी नहीं ना, टी तो इधर है ना, ये एक्सेस पे है ना, एक्स पे, समझे आपको। तो ये ग्राफ अपने को बताता है कि अगर हम इसकी वैल्यू लेंगे लॉग 10 के की 1/t के साथ में, तो वैल्यू क्या है, कम हो रही है। क्यों, हम बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से कांस्टेंट क्या करता है, बढ़ता है ना, अरे बोलो ना। जैसे हमने अभी यहां पर देखा कि टेम्परेचर T1 है तो कांस्टेंट कितना था, K1, रेट कांस्टेंट, और अगर T2 था तो K2, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है तो कांस्टेंट ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं यहां पर K2 बड़ा है K1 से, बराबर है ना। जब K2 बड़ा रहेगा K1 से तो K1 की वैल्यू बढ़ते जाएंगी ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, अरे भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K की वैल्यू बढ़ेगी ना, हाँ, लेकिन यह नीचे जा रहा है क्योंकि 1/t है, क्योंकि थ्योरेटिकली हम क्या लिख रहे हैं इसको, 1/t, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन जब उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो बड़ी वैल्यू क्या होती है, कम, इसलिए वो नीचे जा रहा है, समझा आपको, ठीक है। वैसे ही अगर हम लेते हैं ये वाली इक्वेशन, ऊपर वाली, लॉग कहां गया, ln है ना, नेचुरल लॉग ऑफ k इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस ई ए बाय आर डी, सेम ग्राफ वैसे ही, सेम फॉर्मूला। तो यहां पर y पे कौन है, ओके, okay, y पे कौन है, ln k, ये y पर है, और x, x पे कौन है, 1/t, 1/t कौन है, x पर, ये y पर, ओके। अब यहां पर c इंटरसेप्ट कौन है, ln, ये यहां पर ln इंटरसेप्ट है, ओके। अब m की जगह पे कौन है, कांस्टेंट वैल्यू, माइनस ई ए अपॉन आर टी, मतलब नीचे जाएगा, माइनस ई ए बाय आर, समझे आपको। तो वैसे ही इन सब को अंडरस्टैंड करते हुए इसका एक ग्राफ लिया जाता है, और वो सिंपल है, कांस्टेंट अगेंस्ट 1/t, कांस्टेंट अगेंस्ट 1/t। नेचर सेम रहने वाला है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को जब अपन 1/t लिखते हैं तो बड़ी वैल्यू क्या होती है, घटती है, इसलिए ग्राफ ऐसे ही जाएगा। ये रिलेशन अपने को देता है यहां पर टेम्परेचर के साथ में, जो यहां पर मैंने आपको बताया वही है, समझा है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो एक जनरल एग्जाम्पल, जैसे टेम्परेचर जो फैक्टर इफेक्ट करता है उसमें दिया हुआ था, जैसे मैंने शुरू में बताया N2O5 डिकम्पोज हो रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 मिनट के अंदर, जबकि वो जाता है अगर 25 डिग्री पर तो उसको आर्स लग जाते हैं, बहुत टाइम लगता है, मतलब कम टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या है, स्लो, और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या है, फास्ट, ठीक है। और ऑलमोस्ट रिएक्शन डबल हो जाती है, मैंने आपको बताया शुरू में कि अगर टेम्परेचर T1 है तो वहां पर कॉन्स्टेंट कितना रहेगा, K, लेकिन अगर हम 10 डिग्री में बढ़ाते हैं तो T1 प्लस 10 डिग्री तो ये कितना हो जाता है, डबल, ऑलमोस्ट 99% रिएक्शंस में ऐसे होता है, वो 2K हो जाता है, ठीक है। चलो इसको जल्दी से ड्रॉ कीजिए आप,
चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर जो है आगे बढ़ते हैं हम। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, इसके बारे में हम यहां पर देखते हैं इसका ग्राफ। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, मतलब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का पार्ट है ये, कि कैटलिस्ट से जो इफेक्ट होते हैं उससे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और रेट, इसमें कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक यहां पर कंसिडर करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट ऐड होती है, ठीक है, एनर्जी ऐड की जाती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। सी हियर, ये एक ग्राफ है, यहां पर हम बनाते हैं, ओके, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको, ओके, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक रिएक्टेंट होता है, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, सबको पता है, कोई भी रिएक्टेंट रहेगा, कोई भी बॉडी है, सब में एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी बताया ना मैंने आपको, लिविंग रॉ नॉन लिविंग रॉ सभी में कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, ठीक है। जब हम रिएक्शन करते हैं तो वो ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन हेलोरिंस में। और फॉर एग्जांपल यहां पर अपने को मिला है प्रोडक्ट, ओके, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, और ये है ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर हमको रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए जो एनर्जी लगती है, हम उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ओके। तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रीच द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट टू ट्रांजिशन स्टेट, सॉरी, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट तक लाने के लिए उसको इतनी एनर्जी लगती है, जैसे मैंने वॉल का एग्जाम्पल बताया आपको, उसको हैमरिंग आप करेंगे तो वो अब लूज हो गया, अब वो बस इस पोजीशन में क्या, वो गिर जाएंगी, तो ये ट्रांजिशन स्टेट में आ गई है वो, ठीक है। तो आपने हैमरिंग जो किया वो एनर्जी है आपकी, तो वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो वैसे मॉलिक्यूल्स को भी, स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, उसको ब्रेक करने के करीब आ गए हम, बॉन्ड अब ब्रेक होने पे, बस बहुत लूजली हेल्डेड बॉन्ड हो गया है, तो उसको लूज करने के लिए जितनी एनर्जी आपने सप्लाई करे वो क्या है, ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। हाईली एक्टिवेटेड स्टेट मतलब वो स्टेबल नहीं है, मतलब अब वो बस थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिल जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या में, प्रोडक्ट में। और वो जो लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है जो ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में लेके जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। याद है आपको, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखा है कि मेटल सरफेस है, उस पर जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है, तो मेटल के सरफेस पे जो एटम का इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। अभी उसने मेटल को छोड़ा नहीं, जब वो मेटल को छोड़ के बाहर निकल जाता है तो हम बोलते वो जो एक्साइटेड स्टेट से उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो सेम के रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक लाने के लिए जो एनर्जी लगती है हम उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और जो थोड़ी बहुत एनर्जी है जो उसको प्रोडक्ट बना देगी वो कौन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो अभी हमारा इसका डिस्कशन नहीं है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मेन है यहां पर ट्रांजिशन स्टेट तक आने के लिए, ओके। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जीरो होता है पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ एनर्जी है, बराबर है कि नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में क्या है वो कम है, मतलब अगर आप यहां से प्रोडक्ट का काउंट करेंगे तो एनर्जी क्या है, डिफरेंस ज्यादा आएगा ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्टेंट, ये ट्रांजिशन स्टेट हम कहेंगे इसको, अब इसको ऐसे नेम नहीं देते हम यहां पर, ठीक है, ओके। तो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए यहां पर एनर्जी अपने को लग रही है कुछ ना कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो रिएक्टेंट था इसकी एनर्जी समझो 20 कैलोरी थी, ओके, और जब हम ऊपर चले गए तो एनर्जी यहां तो बहुत बढ़ गई है, फिर बाद में जो है अपने को जो प्रोडक्ट मिल रहा है
उसका जो एनर्जी है वो अपने को मिल रहा है कितना, 10 मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ऊपर, ज्यादा मिलेगा, हमको मिल रहा है 30 फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ रही है, और नीचे जाएंगे तो एनर्जी कम हो रही है। और एनर्जी डिफरेंस अगर अपने को निकालना है, एनर्जी डिफरेंस, तो एनर्जी डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, उसको बोलते हैं हम डेल्टा एच। तो डेल्टा एच अगर हमको निकालना रहा, तो डेल्टा एच हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो 30 माइनस 20, मतलब आंसर का में आएगा पॉजिटिव 10, पॉजिटिव में आएगा ना। तो इंथैल्पी, डेल्टा एच मतलब कौन, इंथैल्पी अपने को यहां पर पॉजिटिव मिलती है, समझा आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। इसका मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी 20 है, बराबर है कि नहीं है, और लग रही यहां पर कितनी अपने को, 30, मतलब 10 ऐड करना पड़ेगा ना, 10 एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इससे अपने को पता चलता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये ग्राफ अपने को रिप्रेजेंट करता है, गेटिंग। अब दूसरा ग्राफ देखिए आप, दूसरा ग्राफ देखिए आप, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैंने बताया था पहले आपको, जो इंटरनल एनर्जी उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो एटम्स के अंदर जो जो मूवमेंट होते हैं, मोशंस, रोटेशन, वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन एक जगह से दूसरी जगह, उनके मूवमेंट से जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, समझे आपको। और पोटेंशियल एनर्जी जो बॉन्ड से एसोसिएट रहती है, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है, इंट्रा एनर्जी रहती है जो दोनों को जोड़ के रखती है, और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड रहता है वीक, वो इंटर एनर्जी रहती है जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती है। तो उन दोनों को क्या बोलते हैं, इंटर और इंट्रा को, पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेटली रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड बनते और ब्रेक होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में फर्क आता है ना हमेशा, समझे आपको, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बता रहे हैं बॉन्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है यहां पर, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बनने वाला है, लेकिन अब इस बार जो है ग्राफ ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, मतलब ये है रिएक्टेंट और ये कौन है, प्रोडक्ट, ओके। तो अब यहां पर आप देखेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो यही आएगा रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट का डिफरेंस, ओके, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ओके। लेकिन अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया 20 कैलोरी अपने रिएक्टेंट की थी, अब यहां पर ये नीचे जा रहा है ना जीरो की तरफ, समझो ये कितना है, 10, बराबर है कि नहीं है। तो हम चेंज इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एनर्जी डिफरेंस जो रहता है क्या बोलते हैं उसको हम, डेल्टा एच, ओके, हीट ऑफ रिएक्शन यानी एंथैल्पी, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना है 10 और ये कितना है 20 है, तो इसलिए आंसर क्या में आएगा, निगेटिव। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अपने को ये डेल्टा एच निगेटिव मिलता है, समझा आपको। तो बस अपना जो कैटलिस्ट है उसका काम है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करना, ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम अभी आपको बताया, लास्ट लेक्चर में अपने देखे अभी, ठीक है, कि जितना कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रहेगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा, चाहे वो इंडो रहो या एक्सो रहो, ठीक है। उसमें अपन ने नया पॉइंट ऐड किया कि अगर एक्सोथर्मिक होता है तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, पॉजिटिव, और अगर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रहा तो क्या है, निगेटिव। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं रेट से रिलेटेड यहां पर, ठीक है। अब यहां पर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिए, सेम ग्राफ, सेम जो यहां पर हमने बनाया है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या के लिए है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ओके। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, देखिए ये रिएक्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये पहला एंडोथर्मिक वाला, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच रिएक्टेंट इनटू ट्रांजिशन स्टेट, ये कौन है, प्रोडक्ट, ओके। अब
ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे यहां पर भी हमने देखा रिएक्टेंट काय में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो यहां पर भी रिएक्टेंट काय में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, लेकिन हम बोल रहे कि रिवर्सिबल है, मतलब वापस भी आ सकता है, वापस आ सकता है ना। अब ये वापस आ सकता है मतलब हम प्रोडक्ट से किधर आ रहे हैं, वापस रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट को भी ट्रांजिशन स्टेट से ही आना पड़ेगा ना वापस। तो प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट से जब आएगा तो यहां जो एनर्जी रहेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये किस करेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्टेंट। तो क्या बोलिए आप मेरे को, कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, आसान है, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में या प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट में? प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट में, क्योंकि यहां पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या लग रहा है अपने को, कम, समझे आपको। और सेम इसका भी अगर अपने को डिफरेंस निकालना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का एनर्जी अपने को डिफरेंस निकालना है, तो बोलते हैं अपन ई ए आर माइनस ई ए पी, तो ये ज्यादा है ये कम है, आंसर क्या में आएगा, पॉजिटिव आने वाला है, समझे आपको। सिमिलर ग्राफ लेते हैं हम किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए, ये फॉर रिवर्सिबल, एंडोथर्मिक फॉर रिवर्सिबल, यहां लिखो इसको एंडोथर्मिक। अब फॉर एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है थोड़ा इसको कम कर देते हैं, एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल, उसके लिए ग्राफ देखते हैं। तो आप देखिए यहां पर, आप ये रिएक्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट की कम होती है अपने को पता है, ये रिएक्टेंट, ओके ट्रांजिशन स्टेट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए, राइट ओके और वापस रिवर्सिबल रिएक्शन है, आर जा रहा है पी में, पी वापस आ रहा है आर में, लेकिन ये किसके लिए अभी, एक्सो। तो अब यहां जो प्रोडक्ट है उसकी लाइन यहां पर है, तो यहां से जो डिफरेंस यहां तक आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये रिएक्टेंट किसका ज्यादा है, प्रोडक्ट का ज्यादा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बराबर है कि नहीं। और यहां पर रिएक्टेंट का क्या है, कम, फॉर्मूला सेम आएगा, अगर आपको ई निकालना है यहां पर इससे, तो आप बोलेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट, आंसर क्या में आएगा, निगेटिव में, समझे आपको। तो ये दोनों रिलेशन ध्यान से याद रखने का, ये आगे आएंगे ओके। तो ये हमने देख लिया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों में हीट ऑफ रिएक्शन का, तो एक्चुअली मैंने इसको यहां पर एनर्जी लिखा है, अगर मोर करेक्ट अगर लिखना चाहे तो आप लिखेंगे इसको डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, तो हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, तो ये अपने को वैल्यू देता है पॉजिटिव डेल्टा एच, राइट। सेम यहां पर भी मैंने एनर्जी लिखा है, लेकिन एक्चुअली इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, लेकिन यहां वैल्यू क्या मिलेंगी अपने को, यस नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी, बराबर है। सेम यहां पर मैंने आपको बताया है, तो इससे हम डेल्टा एच वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए आर माइनस ई ए पी, तो डेफिनेटली जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है रिएक्टेंट का वो क्या है, ज्यादा, और प्रोडक्ट का क्या है, कम, तो यहां पर भी डेल्टा एच क्या मिल रहा है अपने को, पॉजिटिव, राइट। सेम यहां पर अप्लाई करेंगे हम उसको, तो हम बोलेंगे डेल्टा एच मतलब एनर्जी, एक्चुअली डेल्टा एच क्या होता है, अपने थर्मोडायनेमिक्स में देखा इंथैल्पी, और इंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी विद वर्क, याद है आपको, ठीक है। तो अब यहां पर डेल्टा एच हम बोलेंगे यहां पर ई ए आर माइनस ई ए पी, ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन क्योंकि यहां पर ई ए का, ई ए आर का वैल्यू कम है और ई ए पी का ज्यादा है ना ये, ठीक है, इसलिए ये वैल्यू क्या मिलती है अपने को, डेल्टा एच निगेटिव में मिलती है, ओके। एक और एक वर्ड में हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पर एच पी ज्यादा है, हीट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं जब एच पी ज्यादा होता है एच आर से तो रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होती है रिएक्शन, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर हम बोलते हैं जब एच पी कम होता है एच आर से, देखो एच पी कम है ना 10 और ये 20 है,
ऊपर है मतलब ज्यादा है ना, तो यहां पर रिएक्शन कौन सा होता है? एक्सो। समझ में आया आपको? सेम यहां पर भी हम सेम अप्लाई कर सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, ज्यादा है ना रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, और ईएपी क्या है? कम। तो हम पहचान लेंगे रिएक्शन कौन सा है, एंडो। समझे आपको? वैसे ही हम बोलते हैं कि ईएआर छोटा है ईएपी से, देखो ईएआर छोटा है ईएपी से, मतलब प्रोडक्ट से जब वापस आएंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो हम बोलेंगे रिएक्शन क्या है, एक्सो। समझा? ओके okay?